उसको वापस से जो है इन बातों को देख लें कि क्या बातें हमने जो है वो शुरू की थी। तीन स्टेप्स होते हैं जी। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है जी, आवाज आ रही है सबको? ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं बात को। अच्छा, तो बात हो रही थी थ्री स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर अपोर्शनमेंट। तो पहला स्टेप था एलोकेट इन अपोर्शन, ओवरहेड्स को बांटना है, एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था सर्विस डिपार्टमेंट को खाली करना है, सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है, क्योंकि जो ओएआर निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकलता है, वो सर्विस डिपार्टमेंट का नहीं निकलता है। ये बात भी हमने कर ली, ठीक है। ओएआर की बेसिस क्या है? ओएआर की बेसिस हमारे सामने थी बहुत सारी। फॉर्मूला था ओएआर का, बजटेड ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर रहे थे हम किससे? बजटेड बेस से, सुटेबल बेस से, विच कैन बी मशीन आवर्स, ठीक है जी। सुटेबल बेसिस क्या थी हमारे पास? सुटेबल बेसिस हमारे पास जो थी वो छह थी। कभी लेबर आवर्स थी, तो कभी मशीन आवर्स थी, कभी आउटपुट, कभी लेबर कॉस्ट, कभी मटेरियल कॉस्ट और कभी प्राइम कॉस्ट। सवाल में हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बेस सुटेबल हमें बताया हुआ है, किस बेस को हमें यूज करना है, ठीक है जी। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, सुटेबल बेस वाली बातें। सुटेबल बेस इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, मैटर ऑफ जजमेंट है, और हमें सवाल को देख के जो है वो क्या कहते हैं अप्लाई करना होगा। तीन स्टेप्स वापस से लिख दिए, एलोकेट एंड अपोर्शन करना है, या आज इस पे बात होगी, रीअपोर्शन करना है, सर्विस को खत्म करना है, एंड देन ओएआर कैलकुलेट करना है। ओएआर का फॉर्मूला हमारे सामने है कि बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड सुटेबल बेस। फिर जाने से पहले हमने, मैं अगर यहाँ पे इसको एंड करता हूँ, जाने से पहले हमने एक और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आपके सामने। जाने से पहले हमने एक सवाल किया था, सरफराज वाला सवाल, ठीक है जी। ये सवाल हमने क्लास में जो है वो डिस्कस किया था जाने से पहले जी। जी ये सवाल मैं खोल रहा हूँ, जरा देखते हैं जरा जी, ये वाला सवाल एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। जी ये सवाल देखें, रिकॉल करें, कुछ याद आई बातें? इस सवाल में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। जी स्क्रीन शेयर हो रही है, दो मिनट सबर करेंगे, एक टेक्निकल इशू हो रहा था, स्क्रीन आपके सामने आ रही है। एक मिनट सबर करेंगे, आपके सामने स्क्रीन आ रही है। ठीक है जी, स्क्रीन आ गई हमारे सामने, ठीक है जी। आई थिंक नाउ इट्स बेटर। अच्छा, तो तीन स्टेप्स हमने देखे थे, सही है जी। और इन तीन स्टेप्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास तरीकेकार है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या तरीकेकार है जी? तो नाउ ये हमने सवाल देखा था। अच्छा, इस सवाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, क्या थी इस सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज? इस सवाल में काफी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमने ये किया था कि ये जो ओवरहेड्स थे, इन ओवरहेड्स को हमने ओएआर में कन्वर्ट किया था, ओवरहेड्स ऑप्शन रेट में कन्वर्ट किया था। और जो जब ये ओएआर में कन्वर्ट हो गया था, ओवरहेड्स ऑप्शन रेट में कन्वर्ट हो गया था, तो फिर हमने इसको रीअपोर्शन कर दिया था, फिर हमने एक रेट निकाला था। और एक जाने से पहले ये एक पार्ट, कौन सा पार्ट? ये वाला जिसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी। तो जो ओ ए आर आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से ओ ए आर आया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का 1.5 पर मशीनर,
और OAR डिपार्टमेंट बी का आया था 1.6 आई थिंक, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, पर लेबर आर। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आज राइटिंग इम्प्रूव करने की, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, बिल्कुल जी। अच्छा, अब आज क्या सिनेरियो है, आज की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज क्या करेंगे। आज एक तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो पुरानी बातें हो गई, ठीक है जी, ये सारी बातें हमने कर ली कि हमने किस तरीके से इन ओवरहेड्स को पहले प्रोडक्शन और सर्विस में तोड़ा यूजिंग सुटेबल बेस, रेंट के लिए फ्लोर एरिया, इंश्योरेंस के लिए कॉस्ट, हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए फ्लोर एरिया, सुपरवाइजरी वेजेस के लिए स्टाफ एम्प्लॉयड, पावर के लिए अगेन KWH, और डेप्रिशन के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन। इन सारे तरीकों के बाद हमने जो है वो एक रेट निकाल लिया था, ठीक है जी, ये बात हमारी हो चुकी। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। अब आज जो है ना हमें आगे बढ़ना होगा, आज कैसे आगे बढ़ेंगे जरा देखते हैं। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, वापस प्रेजेंटेशन में जाना होगा हमें। अच्छा, तीन केसेस हैं हमारे पास, कौन से तीन केसेस हैं देखते हैं जरा। अच्छा जी, एक, अब आज नई बात शुरू हो रही है, केस वन, केस टू, केस थ्री। हमने सीखा था कि हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप वो होता है सर्विस को खाली करना, सर्विस को जीरो करना, ठीक है जी। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि तीन केसेस हैं रीअपॉर्शनमेंट के। पहला केस जरा गौर करिएगा। अच्छा, पहले मैं थोड़ी लेबलिंग कर लूं। एक है हमारे पास P1, जिसे हम कह रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन। एक है हमारे पास P2, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू। एक है हमारे पास S1, जिसे हम कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट वन। एक है हमारे पास S2, जिसे हम कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट टू। ठीक है जी, वॉइस आ रही है जी, कनेक्टिविटी चेक करें हम अपनी, रिपीट करेंगे। हमारे पास चार डिपार्टमेंट है मिसाल के तौर पे, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है। P1 इज फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, P2 इज अनदर सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, S1 इज फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट, S2 इज सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक हमारे पास कटिंग, ठीक है जी, एक हमारे पास है लेट्स से कटिंग, एक है हमारे पास स्टिचिंग, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास एक सर्विस डिपार्टमेंट है मिसाल के तौर पर कैंटीन, और एक है रिपेयर्स डिपार्टमेंट, रिपेयर मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट है ना वो। अच्छा, अब तीन केसेस हमारे कोर्स में जी, इन कोर्स केसेस को गौर से देखना है। पहला केस आपके सामने आ रहा है। पहला केस क्या है, S1 इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू P1। डायग्राम को फॉलो करेंगे, S1 इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू P1 जी। पहला केस है S1 इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू P1। S1 जो है वो सर्विस कर रहा है, P1 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। S1 इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू P2। S1 इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू P1। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूं जी, वॉइस इश्यू हो रहा है। अब आ रही है वॉइस जी, अब क्लियर है वॉइस। हाँ ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से वॉइस बेहतर है। अच्छा जी, अब कंटिन्यू करेंगे बात को, मैं वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ कि हमारे पास मिसाल के तौर पर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2, और मेरे पास लेट से दो सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2, ठीक है ना। हमारे पास, हमें पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं, ठीक है जी। केस वन से स्टार्ट करें, S1 इज फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू P1 एंड S1 इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू P2। S1 पहले को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और S1 जो है वो दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। S2 ऑन दी अदर हैंड, ठीक है जी, S2 को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। S2 एक और सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। S2 is also providing service to P1. उसका काम है कैंटीन से खाना यहाँ भी जाता है।
एस टू इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू बी टू, ठीक है जी। एस वन भी दोनों सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, एस टू मीन्स जो सर्विस डिपार्टमेंट टू है, जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर्स, पहले लेट से कैंटीन, तो एस वन इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू पी वन, एस वन इज ऑल्सो सर्विंग पी टू, एस टू इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू पी वन एंड एस टू इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू पी टू। ये है हमारे पास केस वन। केस वन है कौन सा? डायरेक्ट अपोर्शनमेंट। कैसे करना है बात करेंगे थोड़ी देर में, ये अप्लाई भी कर लेंगे सवाल में, मगर अभी सिर्फ केस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पेपर में तीन में से कोई एक केस होगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, आपने कौन से केस पे काम करना है आपने देखना है। डायरेक्ट अपोर्शनमेंट, डायरेक्ट अपोर्शनमेंट की खास बात क्या है? डायरेक्ट अपोर्शनमेंट की खास बात यह है कि नो सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विंग अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, ना कैंटीन का खाना रिपेयर वाले के पास जाता है और ना रिपेयर वाले के लोग कैंटीन का इक्विपमेंट रिपेयर करने आते हैं, आपस में कोई ताल्लुक नहीं, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं, ये दोनों सेग्रीगेटेड है, ठीक है। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या? दूसरा केस ये है कि हालात थोड़े साजगार होंगे। एस वन इज प्रोवाइडिंग इट सर्विसेज टू पी वन, एस वन इज प्रोवाइडिंग इट सर्विसेज टू पी टू, एस टू जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू पी वन एंड एस टू इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू पी टू, ठीक है जी। मैं रिपीट करता हूँ, एस वन जो है वो पी वन को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पी टू को भी कर रहा है, एस टू भी पी वन को पी टू दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मगर एक चेंज क्या है इस बार? एक चेंज ये है कि एस वन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू एस टू, ठीक है ना। एस वन ने एक और सर्विस प्रोवाइड की है किसको? एस टू को। कैंटीन के लोगों ने खाना प्रोवाइड किया है रिपेयर वालों को, कैंटीन के लोगों ने खाना प्रोवाइड किया रिपेयर वालों को, बट एस टू इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू एस वन। जो पहला डिपार्टमेंट है सर्विस का, वो दोनों प्रोडक्शन को सर्व करे, वो तो सर्व करेगा, वो तो उसका काम है, मगर इसने और भी किसको सर्व कर दिया? उसने और भी सर्व कर दिया दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, एस टू को भी सर्व कर दिया, मगर जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वो पहले को सर्व नहीं करा। अगर आप गौर करें, ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो, ये एरो पिछले में नहीं था, यहाँ पे गायब था, ये एरो पिछले में मौजूद नहीं था, ठीक है जी। खैर, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं, इस केस का नाम है स्टेप डाउन रीअपोर्शनमेंट। इस केस को कहा जाता है, ये सारी केसेस रीअपोर्शनमेंट के होते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट है और ये है स्टेप डाउन रीअपोर्शनमेंट। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग और इम्प्रूव करूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद। अच्छा, यहाँ क्या हालात है, यहाँ क्या हालात है? यहाँ पे एक नई चीज आई जो पिछले केस में नहीं थी। वन सर्विस डिपार्टमेंट, ये आप नोट भी करते जाओ साथ साथ, सर्विंग अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, वन सर्विस डिपार्टमेंट इज सर्विंग अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, बट अनदर सर्विस डिपार्टमेंट इज नॉट सर्विंग फर्स्ट वन। पहला वाला दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मगर दूसरे वाला पहले को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। पहले वाले ने दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर दी, मगर दूसरे वाले ने पहले को सर्विस प्रोवाइड नहीं की। ये केस है स्टेप डाउन रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, तीसरे केस में क्या होगा, कोई गैस कर सकता है? हाँ भाई, कमेंट से बताओ तीसरे केस में क्या होने वाला है। वापस से S1 है, वापस से P1 है, एनी आइडिया? थर्ड केस में क्या होने वाला है, के हालात क्या हो जाएंगे? जो अभी मिसाल के तौर पे रिस्ट्रिक्शन है, यस यस, तीसरे केस में बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, वेरी राइट, कि S1 विल सर्व P1, S1 विल सर्व P2, S1 will also serve S2. S1 बोलेगा भाई मैं तो पहले भी तैयार था, आज भी मैं आपको तैयार हूँ सर्विस प्रोवाइड करने, मुझे कोई मसला नहीं है यार आपसे। मगर इस बार क्या होगा, इस बार बिल्कुल सही हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं कि S2 will also provide, S2 will provide service to P1, वो तो करना है, S2 will provide service to P2 and S2 will also provide service to S1। दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, ये हमारे पास हमारा
बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कमेंट्स में के तीसरा केस होगा, इसका नाम क्या है? यहाँ पे आप दो टेक्निक्स लगेंगी, या तो आप यहाँ पे लगाएंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्या होता है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज की क्लास में से बात हो, और इसका एक नाम और भी होता है, इसमें एक और तरीका भी लगता है अलजेब्रिक मेथड। कुछ अलजेब्रा मैं सिखा दूंगा आपको, मसला नहीं है, मैथ्स वीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अलजेब्रा सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह जितनी चाहिए, पूरी तो नहीं जाहिर सी बात है, क्यूटी का पेपर नहीं है। तो क्या कह रहे हैं इसमें एक चेंज क्या आया तीसरे केस में, कि बोथ सर्विस डिपार्टमेंट्स, बोथ सर्विस डिपार्टमेंट, कुछ कोशिश कर रहा हूं मैं राइटिंग और इंप्रूव करने की, बोथ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर सर्विंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। रिपेयर डिपार्टमेंट भी सर्विस प्रोवाइड करेगा कैंटीन को, यस वेरी राइट अजीजुद्दीन साहब। अब रिपेयर डिपार्टमेंट ने भी कहा हालात बहुत बेहतर है, आ जाए जी हम भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपने हमें सर्विस प्रोवाइड की, हम भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो पेपर में या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा, तीन में देखो एक केस आएगा नॉर्मली नॉर्मली, और तीनों केस के ट्रीटमेंट अलग है। और जहन में ये सारी बातें कौन से स्टेप की हो रही है जी, कौन से स्टेप की बात है? तीन स्टेप हमने सीखे थे, स्टेप वन टू या थ्री, क्या कहते हैं आप लोग? ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये किस स्टेप को कैटर करने के लिए हो रही है, क्योंकि ये बात अगर नहीं क्लियर होगी तो फिर तो फायदा ही नहीं है। बिल्कुल, ये सारी की सारी बातें स्टेप टू के लिए हो रही हैं। लास्ट क्लास में स्टेप टू बड़ा सिंपल था, जो मैंने आपको सवाल कराया था सरफराज वाला, वहां पे स्टेप टू बहुत सादा सा था, कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था, मगर आज बिल्कुल हमें देखना होगा, ख्याल करना होगा थोड़ा सा, यहाँ पे सिनेरियो तो चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही कहा जी, केस वन रिपीट कर देते हैं मोहिबुल्ला राव साहब आपके लिए। मोहिबुल्ला राव साहब अगर आपको टू और थ्री समझ आ गया तो वन तो सबसे आसान है, कि दो सर्विस डिपार्टमेंट है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारा काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फैक्ट्री को सर्व करना, हम सिर्फ फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे, आपस में एक दूसरे को सर्व नहीं करेंगे। सेकेंड केस में रिपीट करता हूँ, सेकेंड केस में पहले ने पहल की, कैंटीन ने पहल की, बोला ठीक है जी कोई मसला नहीं, आप हमारे यहाँ से खाना ले जाओ, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करने को तैयार है। और तीसरे केस में जी रिपेयर वाले ने भी बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, हम भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पेपर में तीन, प्रैक्टिकली भी तीनों केस हो सकते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री। प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछें ज्यादा एप्लीकेबल कौन सा है, मैंने ज्यादातर देखा है केस थ्री ज्यादा अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। नॉर्मली मैं भी कैंटीन डिपार्टमेंट या मैं लेट्स से कैफेटेरिया की बात करूँ तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने जाके, मैं अगर आपसे पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ फार्मास्यूटिकल में भी और वैसे भी, तो वहां पे ये मसला नहीं आता। अजान अभी नहीं हुई है नाकिब साहब, हमारे यहाँ अजान होगी 15-20 मिनट बाद इनफैक्ट, ठीक है? तो ये जरा नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर तीन केसेस हैं, तीन केसेस पेपर में आपने आइडेंटिफाई करना है। पहले केस का नाम क्या है? डायरेक्ट अपोर्शनमेंट। दूसरे केस का नाम क्या है? स्टेप डाउन रीअपोर्शनमेंट। और तीसरे केस का हल, तीसरे केस की दवा मिलेगी हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। नोट कर लिया जी, जिन लोगों ने नोट नहीं किया मैं हूं अभी आपके साथ हूं, और जिन्होंने नोट कर लिया वो हैंडआउट निकालें ओवरहेड्स का, जो आपको लास्ट क्लास में दिया गया था, सॉफ्ट में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है? और उसका क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, हैंडआउट निकाल के क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। जिनका नोट नहीं हुआ है वो नोट कर लें पहले, और जिनका नोट हो गया है वो आगे बढ़े, हैंडआउट पे आ जाए। मैं ये हैंडआउट वापस भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप्स में अभी, कोई मिसाल के तौर पे हमारे साथ नहीं था पहले, तो वो ये हैंडआउट रेफर कर लिया मैंने सॉफ्ट में, अभी अभी ग्रुप पे वापस डाल दिया ये हैंडआउट। जी मुझे बता दें कमेंट्स में अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ सकूं। नोट हो गया है जी, सलमान अहमद खान कह रहे हैं यस। कौन सा क्वेश्चन है मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल पिक ले ली भाई, ठीक है जी बहुत अच्छा कर लिया। वेट करूं फाद नाजिम साहब, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बाकी लोग हमारे साथ में माशाल्लाह गुड। चलो दैट्स गुड यार, ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, तीनों पे बारी बारी बात करनी है। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से मैं बात शुरू करूंगा और फिर मैं अब आपको आगे लेके जाऊंगा, आज आपका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा यार हमारे साथ, ठीक है जी। दो मिनट कह रहे हैं समीउल्लाह, नाजिम प्लीज जल्दी से नोट कर लें समीउल्लाह साहब,
अहमद कह रहे हैं वेट कर लें, वेट कर लेते हैं अहमद आपके लिए, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे प्लीज हैंड आउट में से, मैं भी स्क्रीन पे भी लेके आता हूँ सवाल, मैं भी स्क्रीन पे भी हैंड आउट ले आता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। सलमान के नाम से सवाल है, हमारे पास दो दो सलमान है, सलमान सुहेल और सलमान अहमद खान, और आई कैप ने भी सलमान के नाम का सवाल रखा है। चलें जी, बेस्ट हो गया ये तो, वॉइस बिल्कुल सही है जी, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलें यार आगे बढ़ते हैं, नाउ आई थिंक लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। यस कांगे जी, ये रहा स्क्रीन चेंज करी है मैंने, अब जरा आपके पास हम आ रहे हैं अगला सवाल लेके। अच्छा ये मैं जरा मैं चाह रहा हूँ कि यार पहले ये डिस्कस कर लें, मुझे पहले ये बता दें यार कि ये आपके सामने पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हम ये मैं हैंडआउट में से क्वेश्चन टू से पहले वाला कुछ डिस्कस करूं ताकि कल की बातें याद आए हमें। अच्छा एक बात ध्यान में रहे कि हम एक शीट बनाते हैं, उस शीट का नाम बताते हैं क्या होता है, उस शीट का एक नाम है जो हम शीट बनाते हैं। क्या नाम है उस शीट का बताएं, शाबाश। ओवरहेड्स, हाँ ओवरहेड एलोकेशन अपॉर्चमेंट तो स्टेप्स है, शीट का नाम क्या है जो हम एक शीट बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं। बिल्कुल सही का मोहे बोला राव ने, ओवरहेड एनालिसिस शीट, जबरदस्त, ठीक है ना। इस शीट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आते हैं ओवरहेड्स, फिर इस शीट में क्या आता है, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, ठीक है ना, फिर और क्या आता है इसमें, बिल्कुल, तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आते हैं, बिल्कुल सही, P1 P2। फिर क्या आता है हमारे पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स आते हैं, S1 S2, ठीक है ना। खैर अच्छा फिर टोटल आता है, वेरी नाइस, टोटल को आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनडायरेक्ट वेजेस, आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट वेजेस क्या ये ओवरहेड है, यस और नो, इनडायरेक्ट वेजेस पे बहुत बात हुई है पहली क्लास से, क्या इनडायरेक्ट वेजेस ओवरहेड की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, इनडायरेक्ट लेबर की बात हो रही है। बिल्कुल सही है जी, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस यार। अच्छा अब आप गौर करो, इनडायरेक्ट लेबर को इसने खुद ही बता दिया कितना कितना है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये एज इट इज बता दिया, तो इसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट वेजेस को आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये गिवन है, इसको आप एज इट इज डाल देंगे, एज इट इज। अच्छा कंज्यूमेबल मटेरियल, ये भी आप देखें इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है ये भी ओवरहेड होता है, ये भी एज इट इज बताया हुआ है, हर किसी का बताया हुआ है, तो एज इट इज आ जाएगा। रेंट एंड रेट्स के लिए बता दो, क्या सुटेबल बेस थी, क्या बात हुई थी लास्ट क्लास में रेंट एंड रेट्स के लिए। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। एरिया देखो ये दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, एरिया सबसे लास्ट में दिया हुआ है। अच्छा बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए क्या बात हुई थी बता दो, शाबाश। बिल्डिंग इंश्योरेंस ये वाला जो है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, नहीं, क्या बात हुई थी, जबरदस्त। ये भी किस पे जाएगा भैया, एरिया पे जाएगा, वेरी नाइस। अच्छा फिर उसके बाद अगला वाला जो है हमारे पास ये पावर, पावर किस पे जाएगा, पावर के लिए देखो सवाल में क्या दिया हुआ है इसमें, हाँ ठीक है दिया हुआ है, पावर के लिए सवाल में क्या दिया, KWH नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं, सवाल में देखेंगे, पावर के लिए दिया हुआ है यूजेज, यूजेज बिल्कुल सही है, यूजेज बिल्कुल सही, परसेंटेज ऑफ यूजेज। हीट एंड लाइट के लिए क्या देखोगे शाबाश, अगला जो वाला जो है हीट एंड लाइट, क्या बात हुई थी हीट एंड लाइट के लिए, बिल्कुल सही है, ये भी फ्लोर एरिया पे चला जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए क्या देखोगे, डेप्रिसिएशन के लिए ये डीबी, ये तो मशीन आर्ट नहीं, वेरी नाइस, कॉस्ट ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन, ये दिखी, ये डीबी, ठीक है जी। तो ये आप देखें, ये सवाल था, ये मैंने इलस्ट्रेशन ACCA की रखी है आपके हैंडआउट में, ठीक है ना। तो इन्होंने एक शीट बनाई है, थोड़े अपने हिसाब से बनाइए, टेंशन ना लें, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें रीअपॉर्चमेंट कैसे हुई है उसको हम देखते हैं। अभी जरा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू निकालें जरा प्लीज, आपके पास हैंडआउट में मौजूद है क्वेश्चन नंबर टू, सलमान लिमिटेड के नाम से, ये सवाल इंपॉर्टेंट है जी, सलमान लिमिटेड। अच्छा जी सवाल पढ़ूंगा मैं, सलमान लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी, सलमान लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, PDA एंड PDB,
दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट SD1 एंड SD2। ठीक है जी, इस बार दो प्रोडक्शन है और दो सर्विस है, ठीक है, थोड़ा सा गेम चेंज हो गया थोड़ा सा। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि समरी ऑफ द बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 इज एज फॉलोस। समरी ऑफ द बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 इज एज फॉलोस। डायरेक्ट लेबर दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, इनडायरेक्ट लेबर दे दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल दे दिया, फैक्ट्री रेंट दे दिया। अच्छा अब आप गौर करें, फैक्ट्री रेंट इसने अलग अलग नहीं बताया, टोटल में बताया, मगर हमें पता यार अभी पिछले साल में बात हुई, हो जाएगा काम। पावर कॉस्ट भी आपको लमसम बता दी, टोटल बता दी, कोई बात नहीं। डिप्रेशन भी टोटल बता दी, टेंशन ना लें, आईकैप का सवाल है, कोई बात नहीं, हम आईकैप के सवाल भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आगे चलते हैं, अदर रेलेवेंट डेटा इज एज फॉलोस। प्रोडक्शन यूनिट बता दिए, ए के 2250, बी के 800, डायरेक्ट लेबर पर आवर्स पर यूनिट 20 और 38, 20 और 38, ख्याल रहे ये क्या है, पर यूनिट, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ किसी वजह से। मशीन आवर्स है 19,250, 12,250, 2800 और 700। किलोवाट आवर्स याद आ रहा है, किलोवाट आवर्स हम किसी को कहते हैं, व्हाट इज किलोवाट आवर्स, क्या कहते हैं आप इसको, ये किलोवाट आवर्स किस चीज का फिगर है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस बिल्कुल सही है, किसके लिए, बिल्कुल सही का सबने, माशाल्लाह शहजान शकील वेरी नाइस, अहमद वेरी राइट, सलमान अहमद खान एब्सोल्युटली राइट, साद खान ने भी सही का, दानिश यू आर आल्सो करेक्ट। अच्छा अब आगे चलते हैं, फ्लोर एरिया दे दिया, बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन। अच्छा अब व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कौन से स्टेप के लिए, मुझे स्टेप का नंबर बता दो, ये स्टेप 1 के लिए जो मैंने भी हाईलाइट किया, 2 के लिए या 3 के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कौन से स्टेप के लिए, 3 के लिए, पहले के लिए कह रहे हैं मशीन आर्ट यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, और दूसरे के लिए कह रहे हैं लेबर आर्ट यूज करिएगा। हमें पता है ओआर का फॉर्मूला क्या होता है, ओआर का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेस। तो एक दफा बेस है हमारी पास मशीन आर्ट्स, और एक दफा बेस मशीन आर्ट्स नहीं है, दूसरी बार जो बेस है वो क्या है, वो लेबर आर्ट, वो लेबर आर्ट। तो स्टेप 3 वेरी नाइस, आप लोगों ने बहुत सही पिक किया माशाल्लाह, गुड। अच्छा अब जरा लास्ट वाला पैराग्राफ देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है। SL allocates cost of service department applying repeated distribution method. अच्छा अभी फिलहाल repeated distribution method को साइड में करते हैं, आप इस लाइन को इग्नोर कर दो, repeated distribution method मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल आप इसको इग्नोर करते, समझे, ये लिखी भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले, मैं चाह रहा हूँ ये सवाल आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। अच्छा एंड डिटेल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाई SD1 एंड SD2 अदर डिपार्टमेंट आर एज फॉलोस। SD1 30% सर्विस प्रोवाइड करता है ए को, SD1 65% सर्विस प्रोवाइड करता है बी को, SD1 5% सर्विस प्रोवाइड करता है डी S2 को, SD2 55% सर्विस प्रोवाइड करता है ए को, 35% सर्विस प्रोवाइड करता है बी को, और 10% सर्विस प्रोवाइड करता है 1 को, SD1 को। मुझे बताओ ये कौन सा केस लग रहा था, 1, 2, 3, आज मैंने आपको 3 केस सिखाए अभी 5 मिनट पहले, ये कौन सा केस है, 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा अवैध सुहेल साहब ये 2 नहीं है, अहमद ये 2 नहीं है, ये 3 है, वेरी नाइस, बाकी लोग सही कह रहे हैं अब्दुल्ला, इट्स नॉट 2। 2 में क्या था कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करे, दूसरा पहले को नहीं करा, यहाँ आप देखो दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, SD1 इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू SD2 एंड SD2 इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू SD1, कम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है, मगर सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है ना, ठीक है ना, तो सर्विस तो प्रोवाइड हो रही है, हाँ वो अलग बात है कि सर्विस अलग अलग प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना अब्दुल्ला, वेरी राइट। मैं रिपीट करता हूँ एतराज, देखो SD1 का कुछ हिस्सा, SD1 का कुछ हिस्सा फॉल कर रहा है किसमें, SD2 में, SD2 में, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना, SD2 का भी कुछ हिस्सा फॉल कर रहा है कहाँ पे, SD1 पे, इसीलिए हमने जो है कि, अच्छा मगर आप अगर रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, हाँ ये रिपीटेड हो गया बिल्कुल, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेंज चाह रहा हूँ, जरा ए पार्ट देखो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चले, मैं सवाल में थोड़ी टेम्परिंग कर रहा हूँ, थोड़ी फ्लक्चुएशन कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार पहला सवाल ना आप ऐसे करो, डायरेक्ट अपॉर्चुनमेंट से करो, ये डायरेक्ट अपॉर्चुनमेंट कौन सा केस था, केस 1 था, 2 था, 3 था, डायरेक्ट अपॉर्चुनमेंट जो मैंने पिछले केस में तुम्हारे रजिस्टर पे लिखा होना चाहिए, नोट किया था ना आप लोगों ने, डायरेक्ट अपॉर्चुनमेंट बिल्कुल सही है, वेरी राइट। मैं चाह रहा हूँ इसको केस 1 से करो पहले, ताकि केस 1 समझ लो, तो रिक्वायरमेंट क्या कैलकुलेट करना है, OAR कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो स्टेप्स बताते हैं, पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, क्या करें, क्या बनेगा इसमें, पहले तो इसमें बनेगी बिल्कुल, पहले तो इसमें वो क्या बनाएंगे, बिल्कुल सही है, ओवरहेड एनालिसिस शीट, खाली एनालिसिस नहीं भैया, पूरी बात करें, ओवरहेड एनालिसिस शीट, ओवरहेड एनालिसिस शीट फॉर्मेट बताएं, ओवरहेड एनालिसिस शीट का कैसे बनेगा,
सबसे पहला कॉलम किस चीज का होगा जी? साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। पहला कॉलम होगा ओवरहेड्स का, दूसरा कॉलम किस चीज का होगा? बिल्कुल अपोर्शनमेंट होगी पहले। दूसरा कॉलम बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, वेरी राइट, गुड, बिल्कुल सही कहा आपने सतीश ने और सलमान ने। अच्छा तीसरा कॉलम किस चीज का होगा? तीसरा कॉलम जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। और चौथा कॉलम किस चीज का होगा? सर्विस डिपार्टमेंट्स का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का और सर्विस डिपार्टमेंट्स का। ठीक है जी, कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ साफ सुथरा करने की, खैर। अच्छा अब चलो जी मुझे बताओ पहला ओवरहेड कौन सा है, मैं कमेंट में वेट कर रहा हूँ। पहले मैं क्या लिखूंगी शीट का आगाज करने जा रहे हैं, पहला स्टेप आपके सामने, सबसे पहला ओवरहेड मैं कौन सा लिखूं? सबसे पहला देखो जरा, सलमान ने कुछ कहा है, अहमद ने भी कुछ कहा है, बाकी लोग क्या कहते हो? तला बहुत जंप कर लिया, तला रेंट से नहीं होगा, सोचो जरा सबसे पहला क्या होगा यार। लेबर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर है पहला वाला, तो डायरेक्ट लेबर से नहीं शुरू करें, इन्फॉर्मेशन तो लेबर की दीजिए पहले। नहीं डायरेक्ट लेबर से नहीं करेंगे मोहिबुल्ला राव साथ खान, क्योंकि डायरेक्ट लेबर जो है वो आपके ओवरहेड में नहीं आता ना भैया, हमें तो ओवरहेड करना है, टॉपिक का नाम क्या है? ओवरहेड्स। ठीक है, डायरेक्ट लेबर नॉट ओवरहेड, वेरी राइट हरमीन, वेरी राइट हरमीन ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी, ओवरहेड से होगा इत्तेदाद, वेरी राइट, बिल्कुल सही है। तो पहला ओवरहेड कौन सा है? तो ये ओवरहेड नहीं है, ये एम्बिट से बाहर है, ये ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ये भी एम्बिट से बाहर है फिलहाल, इसको भी छोड़ दो, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। असल जो गेम शुरू होगा इनडायरेक्ट लेबर से होगा, वेरी राइट। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर का बेसिस अपोर्शनमेंट क्या है? इनडायरेक्ट लेबर को अपोर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, गिवन है। ठीक है ना, वैसे एम्प्लॉय हो सकता है वैसे, मगर इसके लिए तुम लोग क्या लिखोगे पेपर में? देखो ये गिवन है, या इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है कुछ बुक्स में, एलोकेटेड है, ये ऑलरेडी एलोकेट करना नहीं है, एलोकेट हो चुका है पहले से ही, एलोकेट करके दे दिया, तो इसको मजीद तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे बता दो जरा, फिगर क्या है सामने हमें नजर आ रही है? 1900, 600, 50 और 20। मैं रिपीट करता हूं बात को, इनडायरेक्ट लेबर से शुरू करना भैया, वरना गलत हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा पेपर में ये। ठीक है ना, आपने डायरेक्ट लेबर से शुरू नहीं करना, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड नहीं है। ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट लेबर से आपने शुरू करना है जो ओवरहेड है। तो पहला ओवरहेड हमारे पास कौन सा है? वेरी राइट, वेरी राइट, ये इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर देखो गिवन है ना, तो इसको बेस, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तो ये गिवन था। अच्छा अगला बताओ, अगला कौन है? इनडायरेक्ट लेबर निमट गया तुम्हारा, अब अगला बताओ शाबाश, नेक्स्ट कौन है तुम्हारे पास? नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? सही है, वेरी राइट, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी देखो गिवन है तुम लोगों को। कितना चेक करो, एलोकेटेड है ये भी, कितना है, कितना है, वेरी राइट, एलोकेटेड कह लो, ये गिवन कह लो, कितना है भैया? 900 और 1100, ये रहा 900, 1100 और देखें, वेरी राइट, 150 और 55। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है? रिपीट करता हूं बात को, इनडायरेक्ट लेबर से शुरू किया यानी गिवन था, इनडायरेक्ट मटेरियल से शुरू किया वो गिवन था। एक लाइन छोड़ के लिख लें या दोनों में लिख लें या नंबर डाल दें, बेहतर ये है कि एक लाइन छोड़ के लिख लें तो अच्छी बात है। यार मेरे पास थोड़ा सा स्क्रीन का इशू है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फौरन ही लिख रहा हूँ आपको, मैं कहूंगा कि एक लाइन। अब सही है भैया आवाज?
चलें ठीक है जी, सॉरी यार ये थोड़ा इंटरनेट के इश्यूज हैं, कोई बात नहीं यार, इन लिमिटेशंस के साथ भी हम कर लेंगे काम, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अच्छा जी, तो रिपीट करते हैं बात को, क्या बात हो रही थी, हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, ये बात हो गई। अब अगला बता दें, व्हाट इज नेक्स्ट भाई, शाबाश, नेक्स्ट क्या है जी? तो फिगर बताएं रेंट की कितनी है, रेंट की फिगर मैं आपसे चाहूंगा यार, रेंट के लिए मैं, चलो मैं बता देता हूँ एक बार तुम लोगों को, फ्लोर एरिया तो जरा देखो अमाउंट कितना लिखूं मैं पहले पहले डॉलर में। अरे सॉरी यार ये थोड़ा सा मसला हो रहा है नेट का आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली, जी अब आपके पास आ जानी चाहिए, सॉरी जी बताएं फिगर्स, हाँ सॉरी आपने फिगर्स मुझे बता दी हैं, आई थिंक राइट नाउ जी फिगर्स क्या है बताएं प्लीज वापस से। ठीक है जी जी फिगर्स आ गई हैं, ठीक है वेरी गुड, 670, 536, 67 एंड 67, बिल्कुल सही है। अच्छा रेंट के बाद मुझे पावर भी बता दें, पावर कितना है, पावर बिल्कुल रेंट को आपने फ्लोर एरिया के बेस पे किया, पावर बताएं शाबाश। जी पावर की फिगर कैलकुलेट की किसी ने, हारिस इमरान ने कैलकुलेट किया, हारिस गुड गुड, पावर के लिए बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस फॉर पावर, पावर के लिए यूज क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है जी केडब्ल्यूएच, तो इन सबको टोटल करो कितना बन रहा है केडब्ल्यूएच, 1600, तो पावर कितना आया बिल्कुल सही है 757.5। फिर हमारे पास कितना आया, ठीक है जी 568.125, वेरी नाइस, राउंड कर लेते हैं इसको, राउंड कर लेते हैं, देन 47 एंड देन 142, राउंड कर सकते हैं कोई मसला नहीं है, राउंड कर सकते हैं। ठीक है जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेप्रिसिएशन बता दो मुझे, फिर हम ब्रेक करते हैं यहाँ पे अजान का, नमाज का ब्रेक करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए क्या यूज होगा? अच्छा डेप्रिसिएशन के लिए बेसिस बताओ क्या होगी इसमें, बस ये बता दो फिर हम ब्रेक करते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट नहीं दी हुई सवाल में, कॉस्ट नहीं दी हुई, क्या करोगे बेसिस, कॉस्ट नहीं है सवाल में, बेसिस बता दो बस फिर ब्रेक करना होगा जी। बाकी लोग क्या समझते हैं, बाकी लोग कौन से आर्ट्स, लेबर आर्ट्स, मशीन आर्ट्स, कॉस्ट नहीं दी हुई तो क्या बात हुई थी भैया, वेरी राइट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, चलो शाबाश इसको करो। अच्छा यहाँ नमाज का ब्रेक करते हैं हम, ठीक है ब्रेक कब तक का है हमारे पास, ब्रेक है 7:15 तक का, 7:15 में हम वापस आ रहे हैं, ठीक है जी 7:15 में वापस आ रहे हैं, स्क्रीन आपके सामने, मैं कनेक्टिविटी पे और काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, ठीक है 7:15 में वापस आते हैं, ये आप इसकी फिगर निकाल के रखिएगा, 7:15 में वापसी हो रही है हमारी, थैंक यू। बात हो रही थी ब्रेक पे, थोड़ा सा लंबा हो गया ब्रेक, 7 मिनट 10 मिनट। अच्छा जी इनडायरेक्ट मटेरियल में बेसिस क्या लेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल में बेसिस लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, सवाल आया उसका जवाब ये है कि सामने सामने मौजूद है। अच्छा ये डेप्रिसिएशन का मुझे फिगर बता दें प्लीज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन का फिगर आपके पास आ चुका है जी जनाब, डेप्रिसिएशन का फिगर बताएं प्लीज क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी आने शुरू हो गए आंसर्स, और किसी का आया जी, अगर मेंशन ना हो, सलमान सुहेल साहब ने पूछा है, मेंशन ना हो तो डायरेक्ट मटेरियल पे कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल पे कर सकते हैं अगर मेंशन ना हो तो, ठीक है जी। जी रेंट और पावर की अमाउंट कैसे आई है, रेंट और पावर की अमाउंट समीउल्लाह नजम साहब ऐसे आई है कि रेंट के लिए उसने फ्लोर एरिया बोला हुआ है ना भजन, तो फ्लोर एरिया की बेस पे अपोर्शन कर दें, फ्लोर एरिया का टोटल करें, फ्लोर एरिया का टोटल मिला था मेरे ख्याल से 10,000, तो 5,000 डिवाइड बाय 10,000 करके कैलकुलेशन हो जाएगी,
और डेप्रिशन के लिए मशीन आर्ट्स को यूज करना है. मशीन आर्ट्स मौजूद है हमारे पास 19,250, 12,250, 2800 और 700, इन सबको ऐड कर लें. क्या बना मशीन आर्ट्स का टोटल बताइएगा मुझे प्लीज, अगर किसी ने टोटल किया हुआ तो. 35,000, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू मोहम्मद अब्दुल्ला, वेरी नाइस. तो मशीन आर्ट्स 19,250 है डिवाइड बाय 35,000 इनटू मशीन डेप्रिशन कितनी थी 3,500, तो ये 10% मुझे लग रहा है कि 10-10 का जो है वो रिपीट आ रहा है. ठीक है, रिपीट डेप्रिशन बाद में देखते हैं. बिलाल फरीद साहब पहले जरा ये निपटा लेते हैं. थैंक यू 35,000, बिल्कुल सही है. तो फाइनली मुझे पता है टोटल कितना आ रहा है भाइयों आपका, टोटल टोटल जी. साद खान ने बताया 6153, थैंक यू साद खान. फिर आ रहा है 6153 के बाद 4029, ठीक है. फिर आगे बताएं शाबाश, 594 और 354, थैंक यू हरमीन हुसैन, 594 एंड 354. अच्छा अब यार जरा देख लें, यहां जाके ना हमारा पहला स्टेप खत्म हुआ यार, ये यहां जाके पहला स्टेप खत्म हुआ है. दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना. यहां जाके हमारा फर्स्ट स्टेप एंड हुआ है इस पॉइंट पे जाके. अब सेकंड स्टेप क्या है, स्क्रीन सही नहीं आ रही है, स्क्रीन मेरे ख्याल से सही आ रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आ रही है स्क्रीन. अच्छा आई थिंक ओके, बट ठीक है यार, मोबाइल में मुश्किल होगी, लैपटॉप में बिल्कुल सही आएगी इंशाल्लाह. अच्छा क्या बात हो रही थी के, हाँ तो ठीक है जी, डेप्रिशन प्रोडक्टिविटी बेसिस पे एलोकेट नहीं कर सकते. नहीं भाई अमाउंट बिल्कुल भी नहीं प्रोडक्टिविटी बेसिस पे नहीं करेंगे. डेप्रिशन का डालोगे जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतना ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, जितनी ज्यादा मशीन चलेगी. तो डेप्रिशन का ताल्लुक वैसे कॉस्ट से होता है या नेटबुक वैल्यू से होता है, वैसे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था. मगर आज मसला ये कि हमारे पास चीजें नहीं है तो मजबूरन हमें जो है वो मशीन आर्ट्स पे काम करना होगा. अच्छा अब यार जरा गौर करिए कभी सवाल में, कौन सा मेथड है सवाल में, डायरेक्ट अपोर्शनमेंट है केस वन. ठीक है जी, सवाल में वापस आने अब हम, ये है केस वन डायरेक्ट अपोर्शनमेंट. डायरेक्ट अपोर्शनमेंट का मतलब क्या था, डायरेक्ट अपोर्शनमेंट का मतलब था कि पहला सर्विस दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा और दूसरा भी पहले को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा. ठीक है ना, ये बात हो रही थी. ठीक है, अच्छा अब जरा गौर करिएगा प्लीज, अब मुझे आप फॉलो करेंगे, मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ. अच्छा पहले किस डिपार्टमेंट को जीरो करें, कितने सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पीडीए पीडीबी, कितने सर्विस डिपार्टमेंट है, ये भी दो है, SD1 और SD2. अच्छा अब पहले किसको बांटने का मतलब क्या है, सेकंड स्टेप क्या था, रीअपोर्शनमेंट. रीअपोर्शनमेंट का मतलब है कि सर्विस को खत्म करने की बात हो रही है तो पहले काम करते हैं, पहले इस सर्विस को खत्म कर लेते हैं पहले वाले को, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा अब 594 को कैसे खत्म करेंगे, कैसे देखें, नीचे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को देखें और मुझे बताएं सर्विस को कैसे तोड़ा जाएगा. ये SD1 को हम तोड़ेंगे किस रेशियो में जी, ये इंपॉर्टेंट है. पहले SD1 को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद SD2 को तोड़ेंगे, पहले SD1 को तोड़ेंगे फिर SD2 को तोड़ेंगे. बिल्कुल SD1 को कैसे तोड़ेंगे यार, देखो इसका सीन सुन लो, 30:65, वेरी नाइस यार, जबरदस्त. देखो रीअपोर्शनमेंट का मतलब समझो बात तुम लोग, रीअपोर्शनमेंट का मतलब है सर्विस को खाली करना है. अच्छा सर्विस को खाली करना, मैंने कौन सा मेथड कर दिया, मैंने डायरेक्ट अपोर्शनमेंट कर दिया, मैंने वो रिपीटेड वाली लाइन को सेंसर कर दिया, डायरेक्ट अपोर्शनमेंट कर दिया. डायरेक्ट अपोर्शनमेंट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं अभी फिलहाल जो ब्लू से काम हो रहा है इसमें ये इग्नोर है. फॉर एग्जाम्पल तो 30 और 65 इस रेशियो में बांटेंगे और 55 और 35 इस रेशियो में बांटेंगे, तो बांटो जरा शाबाश कितना आएगा, 30. अच्छा 30 और 65% नहीं है इत्तेजाज आलम, मैं इसमें क्लियर कर दूं, ये बनेगा 30. रीअपोर्शनमेंट कैसे होगी देखिएगा, रेशियो बनेगा 30/95 और रेशियो बनेगा 65/95. देखो पूरा 100 नहीं कर सकते, पूरा 100 नहीं कर सकते क्योंकि पूरा 100 करने के लिए 5 को शामिल करना पड़ेगा. नहीं 5 को अभी इग्नोर करो. डायरेक्ट अपोर्शनमेंट का मतलब हमने सीखा था कि पहला डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा और ना ही दूसरा पहले को सर्विस प्रोवाइड करेगा. तो 188 आ रहा है भाइयों सबका, 30/95. अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं ये बनेगी 30/95 इंटू 6153. ठीक है जी, पहले सर्विस 2 से नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिलाल फरीद, कोई मसला नहीं है. ठीक हो गया, तो 188 एंड 406, थैंक यू वेरी मच यार, 188 एंड 406 काफी सारे लोगों ने निकाल लिया. ठीक है सतीश सही कर लो, देखो सतीश मेरे सही है, सतीश 95 ने सही बताया था. अहमद वेरी राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, अब्दुल्ला एब्सोल्युटली राइट, सलमान सोहेल ने भी
सलमान सोहेल नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है 188 अच्छा सही है 188 कर दिया मोहिबुल्ला वेरी राइट है मोहिबुल्ला दैट्स गुड यार बेहतरीन बेहतरीन ठीक हो गया यार ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं हरमीन का भी बिल्कुल सही आया आंसर। तो अब दूसरे डिपार्टमेंट की बारी है अब इसको तोड़ने की बात आ रही है किसको तोड़ना है भजन इसको तोड़ना है इसको कैसे तोड़ेंगे इसको किस रेशियो में तोड़ेंगे SD2 को बता दो जरा इसका भी रेशियो रिमेनिंग 5% कहीं हुआ ही नहीं फैजान हमने काम ही 95 पे हमने पेपर ही 95 मार्क्स का कर दिया 5 मार्क का जो पेपर था ना उड़ा दिया तो पेपर ही 95 मार्क्स का हो गया इसको ऐसे समझ लो इसको ऐसे समझ लो ठीक है। तो अब किस रेशियो में बांटेंगे अब किस रेशियो में बांटेंगे हाँ बाकी लोग जरा देखो 55 और 35 55 और 35 इस रेशियो में बांटेंगे 55/90 and 35/90 चलो जी बांटो क्या बन रहा है 216 और 138 ये मोहम्मद तला चेक करें कुछ गड़बड़ हो रही है सही है एहतजाज वेरी राइट सतीश वेरी राइट बिल्कुल सही है शाहजहान शकील 216 और 138 ठीक है जी और फाइनली फाइनली अब हम इसका टोटल कर लेते हैं अब टोटल कर ले अब जाके ही सेकंड स्टेप खत्म हो गया सर्विस को जीरो करना था सर्विस को जीरो कर दिया हमने सर्विस को जीरो कर दिया अब आप टोटल कर सकते हैं टोटल क्या बन रहा है अब ये मैं तीसरा स्टेप समझो दूसरा स्टेप यहाँ पे खत्म हो रहा है थैंक यू 6557 and 4573 थैंक यू वेरी मच नाउ दिस इज द एंड ऑफ सेकंड स्टेप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या निकालना है ओवर एग्जॉशन रेट निकालना है ओआर निकालना है कैसे निकालोगे क्या फॉर्मूला यूज करना है बताओ सब पता है तुम लोगों को पीडीए के लिए क्या यूज करना है बताओ शाबाश पीडीए का तो बहुत आसान है यहीं पे ही कर दूं अगर ओआर निकालना है तो पहले वाले के लिए क्या करना पड़ेगा ओआर मैं अगर यहीं पे निकाल लूं चलो तुम्हारे लिए तो जो पहला वाला है हमारे पास पीडीए इसका कैसे निकलेगा ओआर हाँ भाई पीडीए का ओआर कैसे निकलेगा मैं यहां कर लेता हूँ EDA का निकलेगा बजटेड ओवरहेड्स फॉर्मूला था बिल्कुल सही बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स मैं रिपीट करता हूं देखो ये अभी डायरेक्ट अपॉर्चमेंट कर रहे हैं रिपीटेड बाद में सिखाऊंगा थोड़ी देर में सीखते हैं आज की क्लास में हो सका तो ठीक है वरना कोई बात नहीं अगली क्लास में सीख लेंगे बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स कौन से ओवरहेड ये वाले मशीन आवर्स चेक करो कितने तुम लोग मशीन आवर्स सही बताया ये एराब बलोच वेरी राइट यार यू आर एब्सोल्युटली राइट ऊपर फॉर्मूला भी मैं देख रहा था तुम लोगों ने सही बताया अब्दुल्ला ने भी सही बताया बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज ठीक है सलमान सोहेल अरमीन आई थिंक यू गॉट द राइट आंसर डिवाइड बाय कितने मशीन आवर्स हैं भैया सवाल में देखो हाईलाइट भी हुए हैं 19,250 ये रहे तो डिवाइड कर दें सही है तो रेट आ गया 0.34 पर मशीन पर मशीन आर 0.34 पर मशीन आर मैं रिपीट करता हूं बात को री अपोर्शनमेंट दूसरा स्टेप था तो इस स्टेप में हमने क्या किया कि रेशियो में बांट दिया 30 और 65 डायरेक्ट अपोर्शनमेंट का मतलब ब्रेक से पहले बात हुई थी क्लास के शुरू में बात हुई थी कि डायरेक्ट अपोर्शनमेंट का मतलब है कि हम जो है वो उसको एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे ये दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे ठीक है तो हमने इन दोनों के आपस के जो परसेंटेशन को हाइड कर दिया फिलहाल फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सवाल को मैंने टेम्पर किया वैसे सवाल ये रिपीटेड का है वैसे और दूसरे वाले के लिए अच्छा तो हमने इसको 30 और 65 इसीलिए 100 नहीं बनाया और 55 और 35 का मतलब है कि 90% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की ठीक है अच्छा दूसरे का भी निकाल लिया आईफोन ने दाम सही करें प्लीज आईफोन वाले साहब 2.15 आ रहा है ठीक है 0.15 आ रहा है ठीक है वेरी नाइस यार तो PD2 का कैसे आएगा PDB का ओ यार ऐसे निकलेगा बजटेड ओवरहेड्स बजटेड लेबर आवर्स
बजटेड ओवरहेड्स कितने डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। अच्छा डिवाइडेड लेबर आवर्स देख लो यार, लेबर आवर्स ये 38 यूज कर लें। हाँ भाई क्या कहते हो तुम लोग, 38 डीएम है ना। अहमद ने कहा नहीं, सलमान ने कहा नहीं, बाकी लोग क्या कहते हैं। अनीक ने भी कहा सही, वेरी गुड अनीक, और पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से। ठीक है क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये ओवरहेड जो निकाले 4573000 कॉमन लिया भाई, टोटल है टोटल। तो जब ये टोटल है तो लाइक टू लाइक करने के लिए जो आर्स है ये भी टोटल होने चाहिए। ये आर्स टोटल नहीं है, ये मैंने को हाईलाइट कराया था, पर यूनिट है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी राइट अरुबा आमिर, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है क्या कह रहे हो, हाँ हमें टोटल चाहिए। ठीक है उमर फारूक कैसे करोगे, एहतजाज बताओ, शाबाश। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 38 को कितने से, कितने यूनिट्स हैं भैया, उसी के ऊपर लिखे हुए यार 800। वेरी राइट वेरी राइट, तो जरा बता दो यार क्या बनी कहानी, 4573 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करके बन गया 30400। थैंक यू वेरी मच यार, तो कितना आ गया 0.15 पर लेबर आवर। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे सवाल एंड हो गया। ठीक है जी, नोट करना चाहोगे नोट कर लो, शाबाश, इसको नोट कर लो। ये पहला केस था डायरेक्ट अपॉर्चमेंट, पहला दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा और दूसरा भी पहले को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये पहला केस था, इसको नोट कर लो ताकि फिर हम आगे बढ़े यार। ये सेकंड स्टेप था और ये थर्ड स्टेप किया हमने, दिस इज स्टेप थ्री। नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे यार। किसी को कोई सवाल है मुझसे पूछ सकता है। शफीक नवाज क्या हो गया भाई, अभी नहीं कर सकते क्लास है, प्लीज सवाल पे फोकस करें, छोड़ें बाकी बातों को। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम थर्सडे देख लेंगे, हमारे नेक्स्ट टाइम शायद हम थर्सडे की जगह वेडनेसडे कर लें, ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे कम्युनिकेट भी कर दूंगा इंशाल्लाह। फैजान बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह इसको देखते हैं हमारे। अच्छा क्या बात हो रही थी कि सवाल है, फैजान ने कहा जी रिपीट कर देते हैं। ठीक है फैजान, ये ओआर का फॉर्मूला वही है जो हमने पहले सीखा था और बेसिस इसमें सवाल में बता दी, मशीनर्स गिवन थे, ओवरहेड यहाँ से आ गए। ठीक है ना, और बाद में दूसरे के लिए उसने कहा लेबर आर्ट्स से डिवाइड करना था, तो ओवरहेड्स यहाँ से आ गया 4573 और लेबर आर पर यूनिट दिए हुए थे, तो पर यूनिट नहीं चलेगा ना, हमें टोटल पे चलना है। ठीक है फैजान, ओके सर फैजान समझ गए बात को, नोट कर लिया, तो आगे बढ़ जाए यार प्लीज, नेक्स्ट टाइम से देखते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इसको वेडनेसडे कर देंगे, केस टू करें, बिल्कुल जी मैं केस टू करा रहा हूँ अब आपको, हो गया नोट, मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई आप लोगों के लिए, रुका पाऊंगा ठीक है। उमर फारूक कह रहे हैं पिक ले ली, मैं ये शेयर भी कर दूंगा यार नोटिंग अपनी इंशाल्लाह। ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड केस देखेंगे भाई, सेकंड केस देखेंगे आप लोगों से के साथ। अच्छा जी सेकंड केस क्या है, सवाल पढ़ रहे हैं, टेटर सेल लिमिटेड एक सवाल है, अगर ये अपॉर्चमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट में भी मतलब 100% के हिसाब से तो जवाब थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। यस बिल्कुल जी, इसको डायरेक्ट अपॉर्चमेंट का मतलब है कि आपने उसको इग्नोर कर देना है जो सर्विस का अपना परसेंटेज है, सर्विस के अपने परसेंटेज को अगर आपने रखा तो फिर 100% पूरा नहीं हो सकेगा, गलत हो जाएगा। आपने पूरा का पूरा 100% रिअपॉर्चमेंट करना है, इसीलिए आपने सर्विस के अपने परसेंटेज को जो कि 5 था पहले केस में और दूसरे केस में 10 था उसको आपने इग्नोर किया। अच्छा अब जरा गौर करिएगा, ये कौन सा अपॉर्चमेंट सीख रहे हैं, स्टेप डाउन रिअपॉर्चमेंट सीख रहे हैं। ठीक है जी स्टेप डाउन, अब स्टेप डाउन रिअपॉर्चमेंट में क्या होगा, सवाल पढ़ रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है सवाल और हैंडआउट में भी मौजूद है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, टेटर सेल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर सिंगल प्रोडक्ट, यस केस 2 का सवाल है ये, दे हैव 2 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। केस 2 उस सवाल का भी नहीं हो सकता शाहजैन शकील, वो उस सवाल का केस, वो असल में केस 2 नहीं, वो केस 3 है। तो अभी पहले नया सवाल करते हैं, फिर उस सवाल को मैं रीअपॉर्चमेंट वाले तरीके से बाद में कराऊंगा। अभी जरा क्वेश्चन 3 देखेंगे, टी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है जी आपके सामने डेटा आ रहा है और आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपसे कह रहे हैं कि दे हैव 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट है आपके सामने।
अच्छा अब आगे क्या सीन है, आगे सीन ये द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ 4 वीक पीरियड। इस बार आप गौर करें, आपको ओवरहेड निकाल के दे रही है इन्होंने, इस पे इस दफा इन्होंने फेवर किया, ओवरहेड खुद ही बता दिया, मशीनिंग का इतना है, असेंबली का इतना है, मेंटेनेंस का इतना है और कैंटीन का इतना है, इस बार आपको टोटल ओवरहेड निकाल के दे रही है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि मशीन आर्ट लेबर, मशीन आर्ट आपके पास 18,845 है और 14,050 है, और लेबर आर्ट जो है मशीनिंग के 6,065 है और असेंबली में 20,350 है। द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स आर अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस फॉलोइंग बेसिस, मेंटेनेंस 60% दे रहा है मशीनिंग को, मेंटेनेंस 30% सर्विस प्रोवाइड कर रहा है असेंबली को, मेंटेनेंस 10% सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कैंटीन को। ऑन द अदर हैंड कैंटीन इज प्रोवाइडिंग 40% ऑफ इट्स सर्विसेज टू मशीनिंग, कैंटीन इज प्रोवाइडिंग 60% सर्विसेज टू असेंबली एंड कैंटीन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू कैंटीन। ऑब्वियसली कैंटीन जो है वो कैंटीन को थोड़ी सर्विस प्रोवाइड करेगा। द कॉस्ट पर यूनिट आर मटीरियल 3 per 3 meter एट 4 per meter, लेबर 7 hours एट 8 per hour, each unit takes 3 hours in the machining department and 4 hours in the assembly department. Last class में हमने कुछ job order costing type का scenario discuss किया था, वो भी आज apply करने का time आ गया है। अच्छा आगे कह रहा है कि each unit takes 3 hours in the, जिसे कहते हैं कि machining department and 4 hours in the assembly department, required compute overhead absorption rate for both the department using under step down apportionment and compute unit cost. अच्छा step down apportionment क्या था जी बताएं, स्टेप डाउन अपोर्शनमेंट क्या था, स्टेप डाउन अपोर्शनमेंट कौन सा केस था, केस 1 था, 2 था, 3 था, कौन सा केस था भाइयों, केस 2, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, वेरी राइट, 9 बिल्कुल ठीक है सतीश, वेरी राइट। अच्छा केस 2 में क्या हो रहा था, केस 2 में अगर मैं वापस बनाऊं तो, अच्छा इसमें कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है जो सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो दूसरे सर्विस को भी प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, कौन है वो, क्या नाम है उसका, बिल्कुल सही है अरमीन, S1 नहीं, इस वन नाम क्या है इसमें उसका, S1 तो है मगर इसमें नाम क्या है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू ऑल थ्री ना, P1 P2 एंड S2 सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मगर आप उसको देखोगे ना कैंटीन को, तो कैंटीन थोड़ा कंजूसी का मुजाहरा कर रहा है, वो सिर्फ मशीनिंग और असेंबली को सर्विस प्रोवाइड करता है, बाकी किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना। तो इट मीन्स की मेंटेनेंस इज द मोस्ट जेनरस डिपार्टमेंट, जेनरस समझते, राइटिंग स्किल्स इंग्लिश है ना, पढ़ते हैं मेरे ख्याल से AFC वगैरह में, कि जनरस का मतलब क्या होता है, सखी डिपार्टमेंट है ये, सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्विसेज, सबके काम आता है, ठीक है ना, ये सबके काम आ रहा है, कैंटीन ने क्या कि हाँ सखी डिपार्टमेंट है, जियाउद्दीन बिल्कुल सही, तो सखी हसन नहीं है यहाँ। अच्छा अब जरा गौर करें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जरा सीन, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल दिलदार मेंटेनेंस है जी, बिल्कुल सही, अच्छा बंदा होगा ये, बिल्कुल अच्छा बंदा है मेंटेनेंस वाला। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, इसमें स्टेप वन करना है या स्टेप वन नहीं करना, इस सवाल में, इस सवाल में स्टेप वन करना है, ये स्टेप वन नहीं करना, क्यों, क्योंकि स्टेप वन के फिगर्स तो रेडीमेड अवेलेबल हैं, कोई रेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ गिवेन है यार, सब कुछ गिवेन है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, ठीक है ना, सब कुछ गिवेन है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना हमने यहाँ पे, और कंटिन्यू करते हैं बात को, के ऑलरेडी गिवन है तो फिर आप इसको इग्नोर कर दें। अच्छा अब इसका मतलब स्टेप वन तो हुआ है, यहाँ पे स्टेप वन मुशक्कत से हुआ था, जो पिछला पेज में हमने काम किया था, ये पूरी इतनी मुशक्कत हुई थी तब जाके स्टेप वन कंप्लीट हुआ था, ये पूरा ऐड किया था तब जाके स्टेप वन आया, आज आप गौर करेंगे आपको सब दिया हुआ है, तो इट मीन आज हमने जो काम करना है स्टेप टू से करना है। अच्छा अब जरा फॉलो करेंगे बात को, स्क्रीन को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत थी, मैंने कर दिया। अच्छा जी अब जरा सीन समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बात, अब जो हो रही है, अब जो हो रही है बात, पहला आपको ओवरहेड बता दिया, ठीक है जी, ओवरहेड्स कितने बता दिए जरा गौर करेंगे, जी अच्छा एक काम करें, इसमें मुझे बताएं कौन सा डिपार्टमेंट सबको सर्विस प्रोवाइड करे मेंटेनेंस ना, तो पहले कौन सा रीअपोर्शन होगा, मैं आपसे भी करवा सकता हूँ ये सवाल, ये आप खुद भी कर सकते हो, पहले कौन सा रीअपोर्शन होगा, पहले रीअपोर्शन होगा आपका, अल्लाह भला करे ये क्या कहते हैं, नहीं पहले याद रखना, पहले कौन सा रीअपोर्शन होगा, ये कौन सा समझ लो, पहले होगा जो सबको सर्विस प्रोवाइड करता है, इस केस में मतलब मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस क्योंकि सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो पहले मेंटेनेंस होगा,
यस मेंटेनेंस होगा। किस रेशियो में होगा, देखो रेशियो भी बताया हुआ है, रेशियो भी बताया हुआ है। तो तुम लोग चाहो तो इसको खुद भी कर सकते हो, पहले मेंटेनेंस करना। देखो पहले एक काम करो, खुद कर लो ना तुम लोग, आसान है, मसला नहीं है। पहले कैंटीन को, पहले मेंटेनेंस को रिपोर्शन करो, फिर कैंटीन को करो। पहले मेंटेनेंस करो फिर कैंटीन करो। शाबाश, स्टार्ट करो, शाबाश। मैं एक बार स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन चेंज करो। ट्राई करें आप लोग प्लीज, मैं स्क्रीन चेंज करता हूं अभी। अच्छा जी, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, मैं आपसे बात करता हूं अभी। जी आंसर चाहिए मुझे, पहले कैंटीन नहीं होगा, पहले मेंटेनेंस होगा फिर कैंटीन होगा। करें, कंटिन्यू करें, शाबाश, आंसर आ रहे हैं। स्क्रीन क्लियर कर दूं, स्क्रीन क्लियर कर देता हूं मैं, सॉरी। स्क्रीन अभी आ रही है आपके पास, दूसरी, दो मिनट सब्र करेंगे। स्क्रीन आ रही है, दो मिनट सब्र करेंगे। साफ सुथरी स्क्रीन अभी आपके सामने तैयार है। जी आ गई स्क्रीन आपके सामने। जी मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए, अब मैं इस पर काम करने वाला हूं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको कहा पहले आप करें मेंटेनेंस और बाद में करें आप कैंटीन, ठीक है, ये मैंने आपसे कहा। अच्छा क्यों कहा मैंने, अब मैं आपको उसकी लॉजिक बता रहा हूँ, ये लॉजिक बता रहा हूँ, आपने ये लॉजिक ध्यान में रखनी उम्र भर। ठीक है जी, लॉजिक पे बात हो रही है। जब भी स्टेप डाउन होगा, इसकी निशानी क्या है कि पहला डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है और दूसरा पहले को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और एक उतना अच्छा डिपार्टमेंट नहीं, ठीक है ना। एक अच्छा आदमी है और एक ने कहा नहीं यार अभी मैं इस पोजीशन में नहीं कि आपको सर्व कर सकूं। ठीक है जी, अब जरा गौर करेंगे बात को, मैं एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ और मुझे आप बताइएगा कि फिगर्स क्या बनेंगे। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मैं एक डिफरेंट तरीके से करता हूं। मैं कहता हूं यार ओवरहेड्स हैं, जरा गौर करिएगा बात को, कितने ओवरहेड्स हैं मिसाल के तौर पे गिवन है ना। इस बार मैंने बेसिस का वो पोर्शन आप हटा दिया, आप देख रहे हैं बेसिस का मुझे अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है बेसिस के कॉलम की, इग्नोर करें यार। ठीक है जी, तो ये ख्याल रखना होगा कि अगर जरूरत नहीं है तो इग्नोर इग्नोर। अच्छा, अब मेंटेनेंस है और दूसरा कौन सा, कैंटीन है भैया। अच्छा, ओवरहेड गिवन कितने, ओवरहेड गिवन है भैया इस बार 143,500, ओवरहेड गिवन है 154,700, ओवरहेड गिवन है 165,800 एंड 176,900। जरा गौर करना, मैं रीअपॉर्चमेंट कर रहा हूं थोड़ा गलत तरीके से, किसी वजह से
मैंने कहा यार रीअपॉर्चमेंट करते हैं पहले, जरा फॉलो करना, पहले कैंटीन करते हैं। मैंने कहा नहीं यार मैं अपनी चलाऊंगा, कैंटीन पे करता हूँ जरा। अगर मैं कैंटीन रीअपॉर्चमेंट करता हूँ तो मुझे तुम लोग बता सकते हो फिगर्स क्या आएंगे, क्या रेशियो था कैंटीन में रीअपॉर्चमेंट करने का? 40-60, जरा करो 40-60 क्या बन रहा है जी? अगर मैं कैंटीन को कर दूं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चल रहा हूं मैं सवाल को, किसी वजह से अगर क्या बना 70-760 और 106-140, ठीक है ना, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। ये कैंटीन जीरो हो गया, कैंटीन खत्म हो गया, कैंटीन को आप चाहो तो देख सकते हो कैंटीन जो है वो गायब है, जीरो है, ठीक है। अच्छा अब अगला देखना, कैंटीन यहां पे हो गया जीरो। अब अगली बारी किसकी है भैया? मेंटेनेंस अपॉर्चमेंट रह जाएगी। हाँ मैं बिल्कुल यही यही समझाना चाह रहा हूँ इतजाज, यू आर गॉट द राइट आंसर, बट आई थिंक लेट्स शो दिस टू एवरीवन ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मेंटेनेंस में क्या करोगे? मेंटेनेंस में, अच्छा मेंटेनेंस में आप जो बांटोगे ना वो इसको बांटोगे 165/800 को बांटो जरा। अब मेंटेनेंस को किस रेशियो में बांटोगे? तुम्हें रेशियो पता है, रेशियो है 60:30:10, तो 60:30:10 में बांटो जरा मेंटेनेंस को क्या बटेगा। ये तुम लोग का वही आएगा जो तुम लोग का ऊपर आ रहा था मेरे ख्याल से, 94 कितना आ रहा, 99480, वेरी राइट, 49740, ठीक है ये तुम लोग का वही है जो तुम लोग पहले था 16580। अब मुझे बताओ क्या सर्विस खाली हो गया, जीरो हो गया मेरे केस में जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ तुम लोगों को? सही है, थैंक यू अनिक। क्या सर्विस खाली हो गया, जीरो हो गया? देखो हमने तो सीखा है ना कि सर्विस को जीरो करना होता है। यहाँ एक गड़बड़ हो गई, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ एक इशू आ गया, यहाँ पे एक मसला आ गया। मसला ये आ गया भैया, अगर मैंने पहले कैंटीन को कर दिया ना जो कि लेस जेनरस था, मैंने आपको कहा ना पहला नंबर किसको देना है, पहला नंबर उसको देना है जो जेनरस बंदा है, जेनरस नंबर बंदा पहले नंबर पे आना चाहिए भाई, और जो लेस जेनरस है उसको दूसरे नंबर पे रखो। हमने क्या किया, हमने कहा नहीं यार कैंटीन को पहला नंबर देते हैं, ठीक है यार कैंटीन को पहला नंबर दो। देखो क्या हुआ, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, एक नया काम, वापस से कैंटीन लिखना पड़ेगा, वापस से इसको 16,580 को क्या करना पड़ेगा, रीअपॉर्चमेंट करना पड़ेगा। करो जरा रीअपॉर्चमेंट, कैंटीन को किस रेशियो में करूंगा, तुम लोगों को रेशियो पता है वही 40-60 में रीअपॉर्चमेंट करूंगा। क्या बनेगा अगर मैं इसको वापस से खत्म करने की कोशिश करूं कैंटीन को? तो कोई बात नहीं, कैंटीन को वापस खत्म कर देते हैं, कैलकुलेटर यूज करो, मुझे बताओ क्या लगता है तुम लोगों को, 60-40 में बांटो ना, 6632 और 9948। अब आप जरा ऐड करें क्या हुआ सीन, ये जीरो होगा क्योंकि इसका तो ये नेट हो गया आपस में, और ये भी जीरो होगा, ऐड करो क्या यार, ऐड करो, शाबाश, ठीक है हरमीन, वेरी राइट, अहमद गुड। टोटल क्या बन रहा है, टोटल पहले वाले का 320372 और दूसरे वाले का देखो, मुझे बोला ये नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, ये तीनों ऐड होंगे भैया, ये भी ऐड होगा ना, इसमें बेचारे ने क्या कसूर किया, ये भी ऐड होगा, थ्री टू जीरो फाइव टू एट, और दूसरे वाले का बताएं 3025528, सही है। अच्छा आप लोगों का भी यही आ रहा है, कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है अभी भी ऑलरेडी, जिन्होंने सही काम किया, मेरे तरीके से नहीं किया जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया, कितने लोगों का ये आंसर आ गया है? अहमद ने कहा, अरमीन ने कहा, बिलाल फरीद ने कहा, वेरी गुड वेरी गुड, नईम ने कहा, तलहा ने कहा, हारिस इमरान ने कहा, और कोई कह रहा है भाई जिसका आंसर ये आया हो अभी तक? शाहजैन का भी आ गया है, ठीक है, जैन जलबानी कह रहे हैं यस, मोहिबुल्ला कह रहे हैं, ओमिल कुमार, ठीक है वेरी गुड। अब 258 है, ठीक है 302258, सॉरी दैट्स गुड यार, नहीं 528 ही सही है यार। अच्छा अब देखना था, शहबाज का भी आ गया, मगर देखो पेपर में ये तरीका सही नहीं है, इसमें दो मसले हैं जो मैंने स्क्रीन पे शो किया ना, अगर तुम लोग पहले कैंटीन को कर लोगे जैसे मैंने किया है बोर्ड पे अभी, अगर तुम लोग पहला नंबर कैंटीन को दे दोगे, दूसरा नंबर मेंटेनेंस को दोगे, तो वापस फिर तीसरी बार भी करना पड़ेगा, तो दो मसले हैं इसमें। एक मसला क्या है इस तरीके में जो मैं भी कर रहा हूँ, इसमें एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, टाइम ज्यादा लगेगा पेपर में, वैसे ही टाइम का मसला है, सही का सतीश ने के टाइम क्यों वेस्ट करूं, दूसरा एक रॉन्ग इंप्रेशन भी जाएगा, ऐसा लगेगा एग्जामिनर कहेगा यार आप सही पढ़ के नहीं आए हो, आपने सही पढ़ा नहीं है ऐसा लग रहा है, तो एग्जामिनर कहेगा कि भाई ये लगता है बंदा जो है ना सही चीज जानता नहीं। देखो आंसर लाना मसला नहीं, आंसर तो ले आए तुम लोग,
मगर पॉइंट ये है कि ये तरीका पेपर में नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये तरीका पेपर में कर दिया तो इससे इम्प्रेशन भी गलत आएगा. 320528 है, सॉरी यार 320528, मैं इसको सही कर लेता हूँ. ऐसे अब सही है, 320528. बिलाल ने भी कहा था मुझसे, ठीक है यार, थैंक यू. अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, मैं रिपीट करता हूँ बात को, मगर पेपर में आपने ये नहीं करना. पहले मेंटेनेंस होगा, यस. अब मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, ये तरीका ना चाहते हुए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा. ये तरीका आपने पेपर में नहीं करना, ठीक है जी. ड्राइंग बना दिया, डिजाइन बना दिया, डिजाइन नहीं बनाया भाई, काटा है मैंने. अच्छा अब सही तरीका देखो जो पेपर में करना चाहिए आपको, जो आप लोगों ने भी किया माशाल्लाह, और आई एम वेरी हैप्पी केयर मेजोरिटी लोगों ने कर लिया. तो वो तरीका क्या है, वो तरीका ये कि भाई पहले क्या क्या नाम है इनके डिपार्टमेंट्स के, मशीनिंग है. अब ये सही तरीका देख लो, असेंबली है. जो जेनरस है वो पहले जाएगा, जो जेनरस है वो पहले जाएगा. मेंटेनेंस है और कैंटीन है. तो पहले ओवरहेड दिए हुए थे आप सबको, कितने दिए थे ओवरहेड, 143,500. ये सही तरीका है जो मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ, 154,700, ठीक है. उसके बाद आपका अल्लाह वाला करे 165,800 एंड लास्ट 176,900. तो पहले किसको रिअपोर्शन करना है, क्या बात हुई थी आपसे, पहले आपने बताया रिअपोर्शन होगा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस. तो कैसे होगा रिअपोर्शन मेंटेनेंस, पहले तो मेंटेनेंस के लिए आपने वो रेशियो देखा था ना, क्या था रेशियो सवाल में दिया हुआ है, 40, 60, 30 और 10. तो जरा बांट देते हैं इसको, ये ना मेरे ख्याल से तुम लोग ये फिगर शायद चेंज नहीं होंगे, सही है ना. थैंक यू, थैंक यू. 60 आर ऑफ, वेरी नाइस. 165,800 इसको यहाँ पे जीरो करेंगे एंड फिर उसके बाद कैंटीन आ जाएगा. अच्छा तुम लोग वो यार निकालो जिनका सही हो गया है. कैंटीन में क्या, अच्छा कैंटीन में आप देखो दोनों को पहले ऐड करोगे. देखो कैंटीन में ये पोर्शन नहीं होगा खाली, हाँ ये पॉइंट समझना, किसी का अगर आंसर मैच नहीं हुआ इसकी वजह ये कि दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा, दोनों को मिला के जीरो करना है. तो कितना होगा, वन, हाँ ऐड करो दोनों को. कैंटीन में क्या पहले मेंटेनेंस होगा, यस. कैंटीन का टोटल क्या आ रहा है, ठीक है जैन जलवानी यू आर ऑन द राइट ट्रैक माशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है. मगर सलमान अहमद का आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है सेकंड वाले के केस में. सलमान यू नीड टू चेक योर आंसर. 193,480, 176,900 है यार ये, ठीक है. ये बन गया 193,480. थैंक यू मनीष. बांट दो इसको, किसी रेशो में बांटोगे तुमको पता है, 40-60 में बांट दो तो काम बच जाएगा थोड़ा. क्या आ रहा है जी, क्या बताया था आपने, इसको बांटें जरा कैंटीन को 193,480 को. थैंक यू, काफी सारे लोगों ने बता दिया था ये जी. बांटने के बाद क्या आ रहा है, कैंटीन को अगर मैं 40-60 में बांट दूं, 77392, ठीक है सात खान, और 116,088 ऐड कर लें दोनों को, क्या बन रहा है, आई थिंक ऐड करके तीनों को ऐड करना है, 1, 2 और 3, ठीक है ना, तीनों को ऐड करना है भाई, वो भी तो ओवरहेड है बेचारा पुराना. 320372 and 320528, ठीक है जी. गेम क्लियर है, मैं रिपीट करता हूँ, ये अब्दुल्ला तीनों ऐड होंगे, 1, 2, 3 और तीनों ऐड होंगे, ठीक है. तो मैं रिपीट करता हूँ यार, तरीका ये सही नहीं था भाई, ये मैंने काट दिया तरीका, इस पे काम नहीं करिएगा. कोशिश करनी है कि आपने पहले जेनरस को तोड़े, ताकि पेपर में दो फायदे हो जाए, टाइम भी बच जाएगा और इम्प्रेशन भी सही पड़ेगा एग्जामिनर का, ठीक है. अच्छा ओ यार मैं यही निकाल लेता हूँ. अच्छा ओ यार कैसे निकाल लो, जरा तुम लोग फॉलो करो बात को, फिर चाहो तो नोट भी कर लेना. जरा मुझे ओ यार तो बताओ, ओ यार कैसे निकलेगा इसका, ओ यार कैसे निकलेगा ये मशीनिंग का, इस बेसिस पे निकलेगा मशीनिंग का मशीन आर्ट्स पे निकलेगा या लेबर आर्ट्स पे निकलेगा, देख के बताओ. शाबाश, तुम लोग को क्या लग रहा है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, मशीनिंग के लिए क्या बेहतर है. हाँ बिल्कुल सही है, कौन से आर्ट ज्यादा है, ठीक है ना, नाम से ही मशीनिंग आ रहा है, नाम पे नहीं जाना है इसके,
फिगर पे जाना है यार, मशीन आर्ट ज्यादा है, बिल्कुल सही कहा उमर फारूक ने, वेरी नाइट हरमीन नईम, वेरी राइट, ठीक है शहबाज ने भी बिल्कुल सही कहा है। अब ये बताओ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होगा ओएआर का फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स भैया, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं यार क्या आ रहा है, 320372 डिवाइड बाय 18,845, ठीक है 17 पर मशीन आवर, जबरदस्त यार, और लेबर आवर्स वाला भी निकाल लो शाबाश तुम लोग, तो लेबर आवर्स वाला कैसे निकलेगा, ये मशीन असेंबली का, असेंबली में लेबर आवर्स ज्यादा है ना चंदा, देखो लेबर आवर्स बहुत ज्यादा है और असेंबली में मशीन आवर्स कम है, मशीनिंग में वो कम है, तो बिल्कुल तो असेंबली में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स, जिन्होंने का हो गया लास्ट पार्ट करें यार, लास्ट पार्ट करें ताकि गेम समझ आए ना मुझे, ये ओआर निकालने का फायदा क्या हुआ, ये कोई खाना पूरी नहीं की हमने, इसका पूरा एक पर्पज है यार, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, तो जरा आखिरी पार्ट करो जिनका ओआर आ गया और मुझे बताओ ये 15.75, थैंक यू शाजन शकील, सलमान वेरी राइट, सलमान तुम्हारा 14.8 क्यों आ रहा है, 302528 नहीं है यार, 320 है सलमान अहमद खान, ये मैंने भी मिस्टेक कर दी थी, 320 है ये सलमान, इसको सही कर लें, 15.75 पर लेबर आवर, एक घंटा मशीन चलती है तो यहाँ 17 रुपए का ओवरहेड आता है, एक घंटा मशीन चलती है तो यहाँ 17 रुपए का ओवरहेड आता है, ठीक है, और यहाँ एक घंटा लेबर काम करता है तो 15.75 का ओवरहेड आता है। अब यूनिट कॉस्ट निकाल के मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का, कुछ लोगों की यूनिट कॉस्ट आ गई है मेरे पास, सतीश की आ गई है, हुजैफा की भी आ गई है, गुड हुजैफा वेरी गुड यार, हारिस इमरान नाइस, सतीश ओके, सतीश की पहले भी आ गई थी, फहद नाजिम की भी पहले आ गई थी, यूनिट कॉल और किसने निकाली है, मैं वो प्रीवियस कमेंट भी देख लेता हूँ तुम लोगों के, यूनिट कॉस्ट शाबाश रिशान अख्तर वेरी राइट, जियाउद्दीन गुड, एराफ वेरी राइट, हरमीन गुड गुड, एतजाज वेरी नाइस, रिशान अख्तर जबरदस्त बता रहे हो, बाकी लोगों के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी करो शाबाश, पेपर में मसला यार ये है ना, देखो तुम लोग थोड़ा सा मुझे बोलते हो गए, मैं थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहा हूँ, मसला ये कि यार पेपर में तुम लोग फीडबैक लो अपने सीनियर से, वो भी बोलेंगे पेपर लेंदी बहुत आता है, उसमें थोड़ा सा ना स्पीड पे भी काम करना है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम लोग की स्पीड पे भी काम करूंगा, तुम लोग जिस तरह मुझे जल्दी जल्दी कमेंट दे रहे हो ना, इनडायरेक्टली तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है, जैन जलवानी वेरी राइट यार, गुड गुड, तो यूनिट कॉस्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है बाकी लोगों ने भी कर दिया वेरी नाइस, यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है भैया, बाकी लोग आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, रुक क्यों गए बाकी लोग भाई, अनिक अहमद वेरी गुड गुड अनिक, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है गुड मोहम्मद अब्दुल्ला, मटेरियल कितने का है, 3 मीटर है 4 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए का है 4 रुपए के हिसाब से 3 मीटर, तो ये बन गया 12 रुपए का, लेबर 7 घंटे लगते हैं 8 रुपए के हिसाब से, 7 रुपए लगते हैं 8 रुपए पर घंटे के हिसाब से, तो ये हो गया 56, दोनों को ऐड करो तो क्या बनता है, दोनों को ऐड करो इसका एक नाम है बताओ क्या, मटेरियल लेबर को ऐड करते हो तो क्या आता है भैया, जब आप मटेरियल लेबर को ऐड करते हो तो कुछ आता है, हाँ सही है वेरी राइट हरमीन अवैस वेरी गुड, पीसी प्राइम गॉस वेरी गुड, होमेल कुमार ठीक हो गया, एराफ ने भी सही कहा है, अच्छा अब जरा गौर करना ओवरहेड्स के लिए क्या गेम है, ओवरहेड्स के लिए ऐसे नहीं होगा काम, बाकी माशाल्लाह काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया, ओवरहेड्स अलग अलग निकलेंगे दोनों डिपार्टमेंट के, मशीनिंग के अलग निकलेंगे भैया, मशीनिंग के अलग निकलेंगे और इसके अलग निकलेंगे, मशीनिंग के कैसे निकलेंगे देख लो, मशीनिंग के लिए वो कितने घंटे, वो रेट क्या था 17 रुपए का रेट था, देखो एक घंटे मशीन चलती है 17 रुपए का रेट आता है, और कितने घंटे मशीनिंग डिपार्टमेंट में लगते हैं देखो लिखा हुआ है साफ साफ 3 घंटे, ये बिल्कुल जाने से पहले सरफराज का जो सवाल किया था उस दिन वो वाला सीन है, असेंबली में
असेंबली में रेट था 15.75 रेट था, इस रेट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इस प्रोडक्ट में चार घंटे लगते हैं, सॉफ्ट में हैंडआउट तुम लोगों का मौजूद भी है, कितना बना? ठीक है 63, चलो शाबाश, ऐड करो इन सबको, कितना बन गया 182, गुड यार, दैट्स गुड यार, उमर फारूक गुड, सलमान वेरी गुड, सलमान सुहेल, मोहिबुल्ला वेरी नाइस, सही है, सही है, 9, ठीक है भैया, नोट कर लो जिसका रह गया यार, मगर खुशी है इस बात की, चलो मेजोरिटी लोगों, तुम लोगों ने आंसर बहुत अच्छे से पिक कर लिया, और 182 मैंने कमेंट्स में देखा, काफी सारे लोगों ने बता दिया, ठीक है, समीउल्ला नजम, जिनका नहीं हुआ नोट कर लें यार 182 कैसे आया, और कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हो तुम लोग चैट बॉक्स के थ्रू, मैं देख रहा हूँ तुम लोग के चैट बॉक्स, अच्छा जी आगे बढ़े, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अच्छा अच्छा जी 60-30 में कर देते सर कैंटीन को, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, देखो इस बार गलत हो जाएगा अगर 60-30 में कैंटीन को कर दिया, क्यों करते हैं 60-30 में कैंटीन को, कैंटीन का जब अपना रेशो दिया हुआ है तो हम उसको टेम्पर थोड़ी करेंगे, 40-60 दिया हुआ है तो, और मेंटेनेंस ने सर्विस भी प्रोवाइड की है, वो तो हमने एक बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, बिल्कुल पेपर में बड़ा ख्याल करना है। अच्छा जी अब ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, आसिफ अली लिमिटेड, दिस अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा जी सवाल देखेंगे, आसिफ अली लिमिटेड, आसिफ अली हमारे क्रिकेटर, नहीं नहीं प्लीज, अच्छा जी सवाल देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, आसिफ अली लिमिटेड, स्क्रीन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नजर आ रही है, मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत काम करने हमने, अभी तो 8:08 हुए एंड वी हैव एटलीस्ट 8:30 तक तो क्लास जाएगी, कम अज कम, अच्छा जी नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसका, यकीन करें सबसे छोटा सोल्यूशन है यार, और ये छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट कब करेंगे, अभी हमने चला रिपीट, पहले स्टेप डाउन पक्का कर लें, फिर जब रिपीटेड मैं आपको सिखाऊंगा ना तो रिपीटेड हो जाएगा, तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था हमारा, ठीक है 2 का सॉरी, क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट था वो उसके बाद हो जाएगा जब मैं रिपीटेड सिखा दूंगा, मगर अभी रिपीटेड सीखा नहीं हमने, तो पहले इसको समझते हैं फिर रिपीटेड पर कुछ बात कर लेंगे। सवाल पढ़ें, ऐसे वाली लिमिटेड ओनर हैज बीन क्रिटिकल ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड, ठीक है जी, वेयर बाय ओवरहेड इज चार्ज टू प्रोडक्ट ऑन फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट, अच्छा यार अब एक चीज समझ लें, ये फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट क्या होता है ये आपने नोट भी करना है, फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट को हम कहते हैं, क्या लग रहा है एक डिपार्टमेंट का या एक फैक्ट्री का, एक डिपार्टमेंट का नहीं पूरी फैक्ट्री का, पूरी फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट हमारे पास है, इसको हम कहते हैं ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं, ब्लैंकेट रेट, ठीक है जी, अच्छा अब बिल्कुल जिसको ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं, अब जरा हम जो काम करते हैं वो फैक्ट्री रेट पे नहीं करते, अगर आप गौर करें हम डिपार्टमेंटल रेट पे करते हैं, आप देखें हर डिपार्टमेंट का अलग हो यार निकला, मशीनिंग का अलग हो यार निकला था, असेंबली का अलग हो यार निकला था, हम जो काम करते हैं वो हम डिपार्टमेंट पे करते हैं, फैक्ट्री लेवल पे नहीं करते, हम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ओ आर निकालते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग ओ आर निकालते हैं, मशीनिंग अलग निकाला था और असेंबली का अलग निकाला था, ठीक है जी, अच्छा अब प्लीज फालतू कमेंट से गुरेज करें कमेंट बॉक्स में, अच्छा जी अब क्वेश्चन, अब सवाल में क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं हमसे सवाल में कि द CFO सजेस्टेड द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स accumulating the following estimated direct departmental overhead data on annual basis, acha ab aap gaur karo yaar kitna acha sawal hai, kitna acha sawal hai, supervision वैसे किस पे होती है, supervision के लिए तुम लोगों ने basis क्या सीखा था मुझसे last class में, बात हुई थी हमारी supervision के लिए, क्या बात हुई थी मंडे वाले दिन, supervision को किस basis पे allocate करते हो, supervision नहीं area पे नहीं होता, बिल्कुल सही है employees पे होता है, बिल्कुल सही है, मगर इस बार देखो क्या इस बार allocate करने की जरूरत है, तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इस बार तो ऑलरेडी क्या हुआ है एलोकेटेड,
ऑलरेडी क्या है, गिवन है, गिवन है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट का मतलब होता है हसन अमर कि आप एक ही रेट निकाल रहे हैं पूरी फैक्ट्री का, एक ही रेट। हम नॉर्मली जो ओआर निकालते हैं वो डिपार्टमेंट का निकालते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेस। ये फॉर्मूला लगता है किस पे, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट पे। मगर ब्लैंकेट रेट का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में काम नहीं करना, आपने किस पे काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करना है। तो नॉर्मली हम नहीं करते, नॉर्मली हम जो है वो इस पे काम करते हैं। मैं बिल्कुल खुद ही ब्रेक कर दूंगा जब मेरे मोहल्ले की अजान शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इनडायरेक्ट लेबर भी देखें गिवेन है, इनडायरेक्ट सप्लाईज भी गिवेन है, लेबर फ्रेंच बेनिफिट भी गिवेन है। ये सारे के सारे ओवरहेड हैं जो नीचे आ रहे हैं। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, मैं इसको लिख दूंगा वापस, इसको मसला नहीं है। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन भी इस बार गिवेन है। आप देख रहे हो हर चीज एलोकेटेड है, हर चीज एलोकेटेड है, हर चीज गिवेन है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी टैक्स एंड बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन, ये भी गिवेन है। कितना 140, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। फ्रिंज बेनिफिट ये था, आप लोग बीएमबीएस में पढ़ोगे, जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं ना, ये पर्क्स होते हैं। पर्क्स मतलब बेनिफिट दिए जाते हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय को हाउस रेंट दिया जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए कोई अलाउंस दिया जाएगा, गाड़ी दे दी जाएगी, तो ये फ्रिंज बेनिफिट कहलाए जाते हैं। तो ये भी चूंकि लेबर इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है, तो इनको ओवरहेड का पार्ट बनाया गया है। हमारे लिए रेलेवेंट है कि ये भी क्या है आज, ये भी हमारे लिए ओवरहेड है आज, ये भी। अच्छा, अब जरा गौर करना, द एनुअल लाइट एंड पावर बिल इज एस्टिमेटेड एट 65,100, द एनुअल लाइट एंड पावर बिल इज एस्टिमेटेड एट 65,100 एंड इज एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। कह रहे हैं कि इसको आप इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की बेस पे एलोकेट कर दो। द ऑर्डर एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस आर एज फॉलोज। अब ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो क्या कह रही है। The order and basis of distribution of service department expenses are as follows. ये किस step की बात हो रही है, ये line, step 1, 2, या 3, ये वाली line जो मैंने अभी underline की है। इस line का ताल्लुक कौन से step से है, step, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि service को apportion करने की बात हो रही है, service को खाली करने की बात हो रही है, service को distribute करने की बात हो रही है। अच्छा, अब ऑर्डर का मतलब क्या है, सीक्वेंस, कौन सा मेथड लग रहा है, स्टेप डाउन, केस 1, केस 2, केस 3, कौन सा केस लग रहा है यहाँ पे, ये हाँ भाई, केस 1, केस 2 या केस 3, तीन केस सीखे ना हमने। ऑर्डर कहाँ रेलेवेंट होता है, अब मैंने आपको दो केस सिखाए, मैंने आपको डायरेक्ट अपॉर्चमेंट सिखाया, वहां ऑर्डर का मसला नहीं है, और मैंने आपको दूसरा सिखाया ये वाला स्टेप डाउन। तो चूंकि ये ऑर्डर वैलिड है, तो ये केस 2 है, केस 2 मतलब स्टेप डाउन रीअपोर्शनमेंट, ठीक है ना। जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल के लिए क्या कह रहा है, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल के लिए कह रहा है एरिया, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल के लिए कह रहा है एरिया, ठीक है जी। और जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल के लिए ये कह रहा है एरिया, और बाकी लोग के लिए कह रहा है कि बाकी लोगों के लिए कह रहा है एस्टिमेटेड स्टोर रिक्वजिशंस और रिपेयर्स। नीचे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अच्छा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का फिगर बता दें कितना आएगा, ये फिगर, ये ऑर्डर एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को बांट के बताएं फिगर्स क्या बन रहे हैं इस फिगर्स को, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। अजान के बाद बात करते हैं, दो मिनट रुकेंगे।
अच्छा जी बात हो गई, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच यार, जबरदस्त आप लोगों ने आंसर बता दिया। जो जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल क्या होता है, सलमान साहब ने सवाल किया था। सलमान साहब, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल ऐसे जनरल डिपार्टमेंट को कहते हैं, जनरल इंक्लोजर होता है ना, समझो एक ऐसे ही डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नाम रखा हुआ है, समझे इसको, समझे नाम है किसी डिपार्टमेंट का। ठीक है यार, थैंक यू शहजान, हारिस, हरमीन, सतीश, थैंक यू, वेरी गुड। जरा अब जरा देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, सीन कुछ यूं है कि हमारे पास ओवरहेड्स गिवन है, कितने ओवरहेड्स गिवन है। अच्छा एक बात का जवाब दें, वीडियोस ऑफ कर दूं मैं, प्लीज यार ये वीडियोस ऑफ कर दें हम लोग, बाकी लोग ऐसा नहीं करें, गलत है। जी कंटिन्यू करें बात को, जी मुझे बताएं कितने दिए हुए ओवरहेड आपको। ओवरहेड गिवन है कितने, ओवरहेड गिवन है आपको 249354, लेकिन ये दिए हुए ओवरहेड्स। ठीक है, और 314643। अच्छा एक बात का जवाब दें, ये जो पावर की कॉस्ट है, पावर की कॉस्ट, ठीक है, प्लीज हमजा कौन है, हमजा प्लीज अपनी वीडियो को ऑफ करें काइंडली। जी चलो इनकी वीडियो ऑफ हो गई। जी अच्छा, दो फिगर्स हैं हमारे पास, 214935431463 3333025111531149457। तो ये जरा हमारे पास फिगर्स दी हुई हैं, इसमें मुझे बताएं पावर का बिल शामिल है या नहीं है। पावर का बिल क्या लगता है आपको, इन फिगर्स में क्या पावर शामिल है? देखिए पावर ना सुपरविजन में हो सकता है, ना इनडायरेक्ट लेबर में हो सकता है, ना इनडायरेक्ट सप्लाईज में हो सकता है, ना लेबर फ्रिंज बेनिफिट्स में, ना डेप्रिसिएशन में पावर हो सकता है, और ना प्रॉपर्टी टैक्स में पावर हो सकता है। तो पावर इसका अलग से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा पावर कितना, अच्छा अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें पहले किसको रिएपोर्शन करेंगे, कितने सर्विस डिपार्टमेंट है, नाम देखें सर्विस डिपार्टमेंट के। अगर मैं बताऊं आपको नाम, तो नाम है स्टोर रूम, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस, और जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल। ठीक है, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको जो है ना वो मैं आपको सोल्यूशन से भी रेफर करा देता हूँ कि इसमें करेंगे क्या। अच्छा पहले कौन सा डिपार्टमेंट ये पोर्शन होगा, क्या बता रहे हैं वो, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल। किस बेसिस पे, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल का बेसिस क्या है, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल का बेसिस है एरिया। अच्छा अब ये देखें एरिया दिया हुआ है आपको, तो जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल में पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो फिगर्स हैं, ट्रिपल वन फाइव थ्री वन, फिर 149457, और फिर 463890। पहले इसमें आपको पावर ऐड करना पड़ेगा, पावर का यूजेज आपको बता दिया, 20:25:30:3:12, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा, ये आप इसको एक काम करें सॉल्यूशन से रेफर करें, ये देखें जरा प्लीज, आपको ये फिगर्स गिवन है सवाल में। ठीक है जी, अगर हैंडआउट सॉफ्ट में खोल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, अगर आप किसी मोबाइल पे या किसी दूसरे लैपटॉप पे खोल लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बट लेंगे कोई मसला नहीं है। पावर को आपने यूजेज ऑफ पावर पे किया, और यही वो आंसर है जो मैं देख रहा था आप लोगों के कमेंट्स में आ रहे थे, 13020
मैंने ऊपर देखा कि काफी लोग आंसर जो है मेरे पास आ रहे थे, सतीश का भी आ गया था, इराफ का भी आ गया था, वेरी राइट, ठीक है। अब रीअपोर्शनमेंट की बारी आ गई, अब रीअपोर्शनमेंट करना है, पहले किसको रीअपोर्शन करना है, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल को एरिया के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे। तो पहले एरिया के बेसिस पे आप जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल को रीअपोर्शन कर देंगे। रीअपोर्शन करने का तरीका आपको पता है, रीअपोर्शन कैसे करते हैं, रीअपोर्शन करने के लिए आप एरिया सारा ऐड करेंगे, एक दो तीन चार पांच, एक आप जरा चाहे तो कैलकुलेशन भी कर लें कि आपने एक दो तीन चार पांच टोटल एरिया देखें कितना आया, टोटल टोटल बताएं कितना बन रहा है एरिया का, 147 प्लस 176 जी 588,000। तो पहले वाले पे एक्स पे कितना जाएगा, 147,000 डिवाइड बाय 588,000, क्योंकि इतना एरिया है, इनटू अब एक्स में, अब कितना था वो जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल, जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल जो था पुराना वाला जो था अपना वो था 463,890, और इसमें 6510 ऐड हुआ पावर वाला, तो दोनों को ऐड किया पहले 474, फिर इसको रीअपोर्शन करेंगे, ठीक है ना। दोनों को ऐड करने के बाद रीअपोर्शन होगा, जैसे हमने कैंटीन में किया था पिछले वाले सवाल में। तो इनटू 470,400 देखें एक फिगर आएगी, क्या फिगर बन रही है, इसको सॉल्व करें जरा, 117,600 ये देखेंगे लिखी हुई 117,600। तो जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल को हमने एरिया पे एलोकेट किया, ठीक है। ये स्टोर रूम के लिए उसने क्या बोला, रिक्वजिशंस बोला, रिक्वजिशंस। अब आप रिक्वजिशन देखें, सवाल में रिक्वजिशंस दी हुई आपको, ये दी हुई रिक्वजिशंस, रिक्वजिशंस, ठीक है जी। तो रिक्वजिशंस की बेसिस पे आप दूसरे डिपार्टमेंट को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, इसने क्या बोला, रिक्वजिशन की बेसिस पे आप स्टोर रूम को तोड़े, स्टोर रूम को रिक्वजिशंस की बेसिस पे। और फिर फाइनली फाइनली लास्ट रिपेयर मेंटेनेंस के लिए उसने क्या बोला, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए उसने बोला रिपेयर मेंटेनेंस के आर्ट्स, रिपेयर मेंटेनेंस के आर्ट्स देखें सवाल में, ये भी दिए हुए। तो सवाल बहुत ही सिंपल था, दिखने से बड़ा सवाल लग रहा है, दिखने से बड़ा सवाल लग रहा है, ये हैंडआउट में इसका सोल्यूशन भी मौजूद है। अगर आप देखेंगे हैंडआउट के बैक पे मैंने लास्ट पेजेस में सोल्यूशन रखे हुए सारे सवालों के, तो वहां आपको ये मेरा अपना सोल्यूशन बनाया हुआ मिल जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूँ बात को, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी, पहले तो ये ओवरहेड सारे गिवन थे, ये वाले ये सारे ओवरहेड गिवन थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, जो पावर है, पावर को आपको एलोकेट करना था यूजेज के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से, जो यूजेज आपको दिया हुआ था ना, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो पावर को आपको डिवाइड करना था यूजेज के हिसाब से, जो कि उसने बताई हुई थी अलग से कितनी, 20, 25, 30 वगैरह जो रेशो दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद फिर उसके बाद दोनों को पहले ऐड किया, ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, यस अलग अलग भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर दोनों को ऐड किया पहले, फिर उसके बाद पहले जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल, क्योंकि उसने कहा था पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर उसने इसका रखा था, और तीसरा नंबर उसने रिपेयर कर रखा था। तो आपको पता है ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टेप डाउन में, क्योंकि ये स्टेप डाउन मेथड है। अच्छा जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल पहले, क्योंकि आसान अनवर इसका आंसर जवाब में मिल, सवाल में मिल गया, सवाल में आप देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं वापस मार्क करता हूं। तो इस बार वो खुद बता रहा है ऑर्डर कौन सा है, इस बार वो खुद बता रहा है कि ऑर्डर कौन सा है। वैसे आप भी कैसे निकालोगे ऑर्डर, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्डर आप कैसे पहचान सकते हैं। इस सवाल में तो ऑर्डर बताया हुआ है। या मैं चलो आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ तुम लोग स्टोर रूम ज्यादा जनरस है या रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा जनरस है, देख के क्या लग रहा है, डेटा को देख के बताओ, स्टोर रूम ज्यादा जनरस है या रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा जनरस है, इस डेटा को देख के, स्टोर रूम ज्यादा जनरस है या मेंटेनेंस आर्ट ज्यादा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ज्यादा जनरस है, जरा चेक करके बताओ तुम लोग, जो मैंने डेटा भी हाईलाइट किया इसको देख के बताओ इन दोनों को। सही है, माहिर अजहर ने भी कहा है कि स्टोर, सतीश ने कहा स्टोर, सलमान सुहेल ने कहा स्टोर, क्यों, आप देखो याद है मैंने परसों की क्लास में, मंडे की क्लास में एक बात की थी कि स्टोर के लिए चीज होती है रिक्वजिशन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। आप देखो रिक्वजिशन कहाँ आ रही है, एक दो तीन चार, इसका मतलब जो ये स्टोर है, स्टोर जो है वो कितने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, स्टोर चार डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, फोर डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। मगर आप रिपेयर मेंटेनेंस को देखो, ये कितने को सर्व कर रहा है, जो रिपेयर मेंटेनेंस के घंटे लगे, जो रिपेयर वालों ने काम किया वो लगा एक दो और सिर्फ तीन, रिपेयर वाले ने यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी, रिपेयर वाले ने यहाँ भी कोई सर्विस नहीं दी। तो इट मीन्स कि ज्यादा जनरस कौन हुआ, हाँ स्टोर हुआ या रिपेयर हुआ, बताओ ज्यादा जनरस जो है वो हमारा। अब
अगर ज्यादा जनरल स्टोर है तो पहले कौन सा होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए या पहले ये रिपेयर होना चाहिए, क्या लगता है पहले कौन सा होना चाहिए? पहले स्टोर होना चाहिए। जब भी देखो इसने पहले स्टोर रखा है उसके बाद रिपेयर रखा है, पहले स्टोर रखा है उसके बाद रिपेयर रखा है। तो पेपर में कभी कभार ऐसा होगा कि आई कैप भी मेहरबान हो जाएगा आप पे, जैसे ये सवाल मेहरबान हो गया आप पे, ठीक है ना। तो स्टोर वाला भी अच्छा है, यस स्टोर वाला भी अच्छा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं उमर फारूक, स्टोर वाला भी अच्छा आदमी है। रिब्बे वाले बंदे ने इस बार जो है कम लोगों को सर्विस प्रोवाइड की। तो पेपर में अगर आपको ऑर्डर नहीं बताया जाएगा तो आप ऐसे पकड़ना, डेटा को देख के पकड़ना। अच्छा, और मजे की बात ये एरिया जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल के लिए एरिया है, एरिया देखो किसके सामने लिखा हुआ है, अगर आप एरिया को देखो तो एरिया तो सबके सामने लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 एरिया तो पांचों के सामने लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो सबसे जनरस कौन है, सबसे जनरल बेचारा जो है वो ये एरिया वाला, एरिया वाला कौन, मतलब जनरल फैक्ट्री कॉस्मूल सबसे जनरस है, ठीक है ना। देखो एरिया जो लिखा हुआ है वो सबके सामने लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 इसका मतलब इसकी कॉस्ट 5 लोग को जाएगी। रिपेयर की कॉस्ट, ये रिक्वजिशन की कॉस्ट, स्टोर की कॉस्ट कितने लोग को जाएगी, 4 लोग को जाएगी, इसका दूसरा नंबर हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपेयर की कॉस्ट कितने लोग को जाएगी, 3 लोग को जाएगी, इसलिए इसका तीसरा नंबर हो गया। एलोकेशन कैसे करनी है वो मसला नहीं है, एलोकेशन तुम लोग जानते हो, सॉल्यूशन में ही मौजूद है, एलोकेशन कैसे करनी है वो मसला नहीं है, ठीक है ना। मगर ये ऑर्डर वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पहला जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल, फिर स्टोर, और फिर उसके बाद आपका आखिर में तीसरे में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये ओआर निकल गया, जी उसके बाद फिर हमारा ओआर निकल गया। अब आ रही है वॉइस, जी अब क्लियर है वॉइस आ रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट्स के, पेपर में अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ हुआ तो कैसे पिक करेंगे, पेपर में अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ हुआ तो आप ये देखेंगे कौन कितना जेनरस है, ये कैसे पता चलेगा, ये डेटा को देख के पता चलेगा, ये डेटा को देख के पता चलेगा। तो डेटा देखें, रिक्वजिशन वाला डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर वाला डिपार्टमेंट 4 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 1, 2, 3, 4। मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट जो है वो 3 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 1, 2, 3। और एरिया वाला 5 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 5 को। तो इसीलिए हमारे पास, इसीलिए हमारे पास जो है वो जो सिनेरियो बना वो ये बना कि हमारे पास पहला नंबर पे जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल आया, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टोर रूम आया, और तीसरे नंबर पे हमारे पास रिपेयर मेंटेनेंस आया, सबसे लास्ट में रिपेयर मेंटेनेंस आया क्योंकि सबसे लेस जनरल डिपार्टमेंट है, सबसे लेस जनरल डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, हैंडआउट में भी मौजूद है ये सोल्यूशन, पीछे आप देखेंगे ना हैंडआउट के पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, पेज नंबर को मुझे बता सकता है हैंडआउट को देख के, अगर थोड़ी आसानी हो जाएगी, ये हैंडआउट में भी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जी वॉइस आ रही है, आई थिंक वॉइस तो आ रही है मेरी तरफ से, कनेक्टिविटी चेक करें, जी ठीक है जी। तो कंटिन्यू करेंगे इसको, कब करेंगे कंटिन्यू, सैटरडे, जी इंशाल्लाह सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है आज, थोड़ा सा अनथिंग, मेरे ख्याल से काफी लोग इंटरनेट पे आ गए हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स हमारे कोर्स की सीक्वेंस क्या होगी, मैं अपनी बुक का इंडेक्स आज डाल दूंगा, सीक्वेंस से रिलेटेड आज आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी, ठीक है। जो हमारी जो है वो क्या कहते हैं कोर्स की सीक्वेंस होगी, सैटरडे को हमारा टाइम है वही जो हमने डिसाइड किया था, 11:30 AM to 1:30 PM। फॉर्म आपने जिन्होंने नहीं भरा है वो प्लीज फॉर्म भर दें, ठीक है जी, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह पोर्टल पे शिफ्ट हो जाएंगे आगे जाके। तो और थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आपका फीडबैक मैंने देखा और बिल्कुल उस पर आज कोशिश भी की है, काफी सारी चीजों पर काम करूं, ठीक है। नेट का इशू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पाशा ने का है, बिल्कुल रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, नेट पे थोड़ा सा अपग्रेडेशन करनी है, ठीक है। सैटरडे इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से, नमाज का भी टाइम हो गया, नमाज पढ़ें, और फीडबैक फॉर्म ये जो है ग्रुप में शेयर हुआ है उसको आपने जरूर करना है, ठीक है जी।
سیٹرڈے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. سی یو آل آن سیٹرڈے. سیٹرڈے کو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے سیٹرڈے.